गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। 23 कैंडिडेट्स आर देयर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अविनाश, दिव्यकांत मिश्रा, गुड इवनिंग दिव्यकांत। ओके, गुड। गुड, we have started inventory control and the first model we have completed is it is deterministic model and this is known as Wilson-Harris model or Wilson model, right? So we have completed the first model in this, that is Wilson model. नहीं, ओपी खन्ना तो इट इज नॉट वेरी गुड बुक एक्चुअली। ओपी खन्ना आपके आपके सेमेस्टर एग्जाम में पास कराने के लिए इट इज गुड, बट फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट मीन्स सम गुड क्वालिटी एग्जाम इट इज नॉट गुड बुक ओपी खन्ना। इसलिए हीरा गुप्ता की बुक पढ़ी है और एक रविशंकर की बुक भी आती है, डॉक्टर रविशंकर, डॉक्टर रविशंकर is IIT Delhi professor, right? For theory portion, for PPC production planning and control portion, you can refer this book. ठीक है? So actually industrial engineering के लिए OP Khanna I will not suggest. So either PN Rao, sorry, this Hira and Gupta is good book. Dr. Ravi Shankar की एक book आती है, it is good book. He is IIT Delhi professor and for engineering services. I have gone through this book and it is good book. ठीक है, so you can go through these books. ठीक है, एंड मतलब अगर आपको मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़नी है तो आप मेनली ये हीरा एंड गुप्ता से कर लीजिए। हीरा एंड गुप्ता ज्यादातर टॉपिक्स आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। एक्चुअली कुछ थ्योरी टॉपिक्स हो सकते हैं आपको हीरा एंड गुप्ता में ना मिले, तो एक्चुअली यू कैन गो थ्रू दिस बुक डॉक्टर रविशंकर, ये अच्छी किताब है। ठीक है, गेट के लिए बुक पढ़ने की जरूरत तो नहीं होगी उतनी, नहीं होगी। हाँ, हीरा एंड गुप्ता ऑपरेशन रिसर्च का जो बुक आपने देखा ना, बट हीरा गुप्ता का ओल्ड एडिशन मत लीजिएगा, न्यू एडिशन लीजिएगा। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स एक्चुअली न्यू ऐड हो जाते हैं। सो इफ यू सी द न्यू बुक ना, इट इज गुड। ओल्ड बुक बहुत सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, थ्योरी भी, बट एक्चुअली थ्योरी यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा आपसे। इन गेट एग्जाम एक्चुअली थ्योरी
थ्योरी थ्योरी पोर्शन गेट में कम पूछा जाता है एक्चुअली। नहीं थोड़ा पढ़ना पड़ेगा रेडमी, ये जो रेडमी है पता नहीं इस लड़के का नाम क्या है, तो थोड़ा बुक पढ़ना पड़ेगा यार, थोड़ी बुक पढ़ने की हैबिट डेवलप करिए आप लोग। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हीरा एंड गुप्ता इटसेल्फ इज गुड बुक, ठीक है। देन यू कैन गो थ्रू गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड दिस वन प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग PI। आलोक जेटली सर, मेरे से कल का लेक्चर छूट गया था तो आज समझ में आएगा? नहीं आज समझ में नहीं आएगा आपको आलोक, आज आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि कॉस्ट वगैरह कल बताया था ना मैंने, आज तो सेम वापस हम वही सारे कॉस्ट हम यूज करेंगे। चलिए नाउ शुड वी स्टार्ट? हाँ रिकॉर्डेड देख लो आप। यस हिज आइडिया इज गुड। देवव्रत गुड इवनिंग। देवव्रत इज वेरी मीन्स ओल्ड स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट डे इज कंटिन्यू इन द क्लास, सो ही इज गुड स्टूडेंट। ठीक है फिर अटेंड कर लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड इवनिंग नमन, मनन सॉरी मनन, मनोहर यस यू आर ऑल्सो गुड स्टूडेंट, आई एक्सेप्ट। गुड इवनिंग, हाँ स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली वी विल नॉट वेट फॉर अदर स्टूडेंट्स, लेट मी राइट रीराइट द इक्वेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो मैंने कल आप लोगों से डिस्कस किया था, लेट मी रीराइट द इक्वेशन। नाउ द फर्स्ट इक्वेशन इज वी हैव डेवलप्ड द इक्वेशन फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सो वी हैव डेवलप्ड EOQ is root 2 into r into c3 divided by c1. This is most important equation. Number 2, at EOQ holding cost is equal to ordering cost. होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट। नंबर 3, सो इफ यू सी एट EOQ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट आर इक्वल, ये मैंने आपको बता दिया था। नाउ नंबर 3, राइट, होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, चेक कर लीजिए, इट इज आर इंटू C1 इंटू C3 डिवाइडेड बाय 2। एंड नंबर 4, टोटल कॉस्ट, टोटल ऑफ कॉस्ट एट EOQ, यू कैन से इट इज ऑप्टिमल कॉस्ट और मिनिमम कॉस्ट, सॉरी मिनिमम कॉस्ट, राइट। द कॉस्ट एट EOQ इज मिनिमम, सो द मिनिमम टोटल कॉस्ट इज मिनिमम एट EOQ, सो वी कैन कैलकुलेट टोटल मिनिमम कॉस्ट, एंड द टोटल मिनिमम कॉस्ट विल बी दिस इक्वेशन 2 इंटू आर इंटू C1 इंटू C3, दिस इज टोटल मिनिमम कॉस्ट, right? So the total cost will be minimum at economic order quantity, and this will be the total minimum cost, especially at economic order quantity. If you are going to calculate the total cost other than economic order quantity, it will not be minimum cost. This formula will not be applicable. Then the next equation, fifth equation we have developed, that is optimum cycle time. So we have simple equation to calculate cycle time, T is Q divided by R. ये कल बताया था मैंने आपको, और अगर आपने Q को EOQ से रिप्लेस कर दिया, then this T will become T0. T will become T0. So if you replace Q by EOQ, right, this T will become T0. So we have developed T0 equation. T0 is root 2 into C3 divided by R into C1. मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिर्फ आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, ये सारी इक्वेशंस आपको एट द टाइम ऑफ एग्जाम, राइट, यू कैन बेसिकली डेवलप। इफ यू नो ओनली दिस इक्वेशन, आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद है और कॉन्सेप्ट पता है, देन ऑल दिस इक्वेशन यू कैन डेवलप एट द टाइम ऑफ एग्जाम इटसेल्फ। आपको इतनी सारी इक्वेशन याद करके जाने की जरूरत नहीं होगी, और जब भी आप एग्जाम में अपियर हो,
ठीक है, ट्राई टू रिमेंबर लेस नंबर ऑफ इक्वेशंस, जितनी कम इक्वेशंस आप याद रखेंगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल होंगे एग्जाम में। बहुत ज्यादा अगर आपने माइंड के ऊपर लोड दिया, इट मीन्स इट मे बी एट द टाइम ऑफ एग्जाम यू मे अनस्टेबल। सो अब जितनी भी कम इक्वेशंस, जितना कम इक्वेशंस याद करके जाएंगे आप, उतना ही आपके लिए ठीक होगा। तो अगर आपने सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की इक्वेशन याद रखा है, तो आप होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, बट टोटल कॉस्ट इक्वेशन इज वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर। ये देखिए, इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, रूट टू इंटू आर इंटू सी वन इंटू सी थ्री, ठीक है। लेकिन टी नॉट की इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है ना। टी का मतलब क्या हुआ, इट इज क्यू डिवाइडेड बाय आर, यू नो दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर क्यू को आप ईओ क्यू से रिप्लेस कर दीजिए, इमीडिएटली यू कैन कैलकुलेट दी बेसिकली ऑप्टिमम साइकिल टाइम, यू कैन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ साइकिल टाइम, राइट। एंड द सिक्स्थ इक्वेशन वी हैव डेवलप्ड इज राइट नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, राइट, एन इज वन बाय टी। ये देखो, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट मॉडल इन इन्वेंटरी कंट्रोल। इसको आप बोलते हैं बेसिक मॉडल और डिटर्मिनिस्टिक मॉडल और विल्सन हैरिस मॉडल, ठीक है। नाउ लेट मी सॉल्व सम गुड क्वेश्चन ऑन दिस। ये देखिए, दिस इज योर इंजीनियरिंग सर्विसेज कन्वेंशनल क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स। दिस इज आईईएस 2001, 15 मार्क्स क्वेश्चन, राइट। दिस इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। तो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स मीन्स ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी कवर्ड इन दिस क्वेश्चन। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, please try this question. This is engineering services mains exam question. So in this question you can see the total demand for a particular item is given 10,000 units per year, right? Annual demand is given in the question, it is 10,000 units, right? So annual demand means R is given in the question, R is annual demand or annual requirement, it is given 10,000 units, right? So annual requirement is given 10,000 units, right, per year. एनुअल का मतलब ठीक है, पर ईयर ना भी लिखेंगे तो चलेगा। सो एनुअल डिमांड इज और एनुअल रिक्वायरमेंट इज 10,000 यूनिट्स, इसको आप आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये देखिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट मींस C3 इज गिवन, इट इज रुपीज 100 पर ऑर्डर। कल मैंने आपको बताया था द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रुपीज पर ऑर्डर, ठीक है, कि जब भी आप एक ऑर्डर प्लेस करेंगे द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्लेसिंग द ऑर्डर इज 100 रुपीज। So that is your ordering cost. Means some stationery will be involved, some or कुछ overhead expenses होंगे, ठीक है। Ordering में जो भी आपका staff involved है, सब कुछ अगर आप include कर लें, so it will be 100 rupees per order, ठीक है। मतलब उस एक order में order quantity कितनी है ये depend नहीं करता, मतलब आप एक order place करेंगे तो आप एक unit पे place order में place करें या n number of units अगर आप place करें, same cost will be involved, it is 100 rupees per order, है ना। जब भी आप order place करेंगे तो order quantity पे depend नहीं करता है order cost, right? It is lump sum cost, it is 100 rupees per order. Holding cost or carrying cost is given, ये देखिए, holding cost, जिसको आप C1 से denote करते हैं, it is rupees 0.5 per unit per year, ठीक है। So you can see the carrying cost or holding cost is given, it is 0.5 rupees per unit per year, this is given in the question. Now we have to calculate economic order quantity, time between two orders, total cost we have to calculate if the unit cost is rupees 2, देख लीजिए, ठीक है। एंड द रीऑर्डर पॉइंट व्हेन द लीड टाइम इज 1 month, ट्राई कीजिए। प्लीज स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फर्स्ट पॉइंट इज ईओक्यू, राइट। सो ईओक्यू वी हैव रेडीमेड इक्वेशन, रूट टू इंटू आर इंटू सी थ्री डिवाइडेड बाय सी वन, वी हैव रेडीमेड इक्वेशन टू कैलकुलेट ईओक्यू। वैल्यूज पुट अप कीजिए, ये देखिए 2, राइट, एनुअल रिक्वायरमेंट इज गिवन, आर इज गिवन इन द क्वेश्चन 10,000 यूनिट्स, आर का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, इट इज 10,000 यूनिट्स। इसको कंजम्पशन रेट भी बोल सकते हैं ना, एनुअल कंजम्पशन रेट। आर का मतलब क्या हुआ, इट इज एनुअल कंजम्पशन रेट, है ना। आप एनुअली कितना यूनिट कंज्यूम कर लेते हैं, 10,000 यूनिट्स कंज्यूम कर लेते हैं, राइट। सी थ्री इज गिवन इन द क्वेश्चन, सी थ्री इज हाउ मच, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज गिवन 100 रुपीज, राइट। एंड सी वन इज गिवन, राइट, 0.5 रुपीज। सो वेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी शुड बी 2,000 यूनिट्स, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, you are going to place the order and the order quantity will be 2000 units, right? And if the order quantity is 2000 units, your total cost will be minimum. Your total cost will be minimum at this order quantity, correct? So economic order quantity should be 2000 units, correct? Now the second question is time between two orders. Do order ke beech mein kitna time hona chahiye?
ठीक है, आप देख लीजिए, एनुअल रिक्वायरमेंट इज गिवन, एनुअल रिक्वायरमेंट इज गिवन एंड राइट ऑर्डर क्वांटिटी इज गिवन. सो टी कैलकुलेट कर लीजिए, टी की वैल्यू ये देखिए, इट इज क्यू डिवाइडेड बाय आर, राइट, टी इज क्यू बाय आर, क्योंकि आर की, आर इज अ स्लोप ऑफ दिस लाइन. ये देखिए, ये ऐसा ग्राफ है ना, तो इस लाइन के स्लोप को हम आर से डिनोट करेंगे, दिस इज आर एंड दिस वैल्यू इज क्यू, राइट, एंड दिस विल बी योर साइकिल टाइम टी, राइट. सो साइकिल टाइम मींस टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स, दो ऑर्डर के बीच में कितना टाइम होना चाहिए. सो क्यू इज 2000 एंड ऑर्डर एनुअल रिक्वायरमेंट इज हाउ मच, 10,000 यूनिट्स, राइट. सो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट, दिस इज 0.2 ईयर्स. चेक करके देखिए इसका यूनिट कितना होगा, क्यू का यूनिट कितना है, इट इज यूनिट्स ओनली, और आर का यूनिट क्या होता है, यूनिट्स पर ईयर. तो ईयर न्यूमरेटर में जाएगा ना, तो अगर ईयर को आप न्यूमरेटर में भेजेंगे सो इट विल बी 0.2 ईयर्स. इसको आप, क्योंकि 0.2 ईयर्स थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर दीजिए आप, कर दीजिए आप. सो इन मंथ्स आई कैन राइट इट इज 0.2 इंटू 12, 2.4 मंथ्स, 2.4 मंथ्स, राइट. इट मीन्स द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स विल बी 2.4 मंथ्स. टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स इज नोन एज 2.4 मंथ्स. ये देखिए, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, दिस इज 2.4 मंथ्स, करेक्ट. नाउ इफ यू सी थर्ड क्वेश्चन, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है कैलकुलेट टोटल कॉस्ट इफ यूनिट कॉस्ट ऑफ आइटम इज 2 रुपीज. अब देख लीजिए यहां पर, क्योंकि उन्होंने यूनिट कॉस्ट स्पेसिफिकली मेंशन किया है, देन इफ यू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट प्लीज कैलकुलेट, प्लीज इंक्लूड द यूनिट कॉस्ट ऑल्सो, बिकॉज यूनिट कॉस्ट इज मेंशन इन द क्वेश्चन. सो इन दिस केस ही वॉन्ट टू से दैट कि प्लीज कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग द यूनिट कॉस्ट और परचेस कॉस्ट, करेक्ट है. सो प्लीज कैलकुलेट टोटल कॉस्ट इफ यूनिट कॉस्ट इज 2 रुपीज, राइट. सो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, इट इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, योर होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, एंड नंबर टू इज ऑर्डरिंग कॉस्ट. दीज आर दी वेरिएबल कॉस्ट. कल ग्राफ याद है ना, हम लोगों ने ग्राफ जब ड्रॉ किया था तो ग्राफ में एक आपने होल्डिंग कॉस्ट का वेरिएशन बताया था, ये देखिए दिस इज होल्डिंग कॉस्ट, और आपने एक ऑर्डरिंग कॉस्ट का वेरिएशन बताया था, आपने कहा था इट इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज हाइपरबोला. इसका मतलब क्या हुआ, दे आर वेरिएबल, दे वेरी विथ क्यू. ये देखिए दिस इज कॉस्ट वर्सेस क्वांटिटी डायग्राम. सो इन एक्स एक्सिस वी कंसीडर्ड क्वांटिटी एंड इन वाई एक्सिस वी कंसीडर्ड कॉस्ट. तो आपने क्या करा, आपने कॉस्ट का वेरिएशन क्वांटिटी के साथ बताया, इसका मतलब क्या हुआ, होल्डिंग कॉस्ट क्वांटिटी के साथ वेरी हो रहा है ना, राइट. योर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज वेरिंग विद क्वांटिटी, सो दीज आर दी वेरिएबल कॉस्ट. बट इफ यू डोंट कंसीडर दी प्राइस डिस्काउंट, अगर आपने प्राइस डिस्काउंट कंसीडर नहीं किया, आप देख लीजिए यहाँ पर प्राइस डिस्काउंट इज नॉट गिवन, ठीक है ना. प्राइस डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि सपोज आप व्हेन यू गो टू द मार्केट टू परचेज ए आइटम, तो मैन्युफैक्चरर और सपोज शॉपकीपर गिव यू द डिस्काउंट कि इफ यू आर गोइंग टू परचेस सपोज मोर देन 12 यूनिट्स द कॉस्ट विल बी दिस. जैसे पेन खरीदने जाते हैं आप, इफ यू गोइंग टू परचेस सिंगल यूनिट ऑफ पेन द कॉस्ट मे बी 5 रुपीज, लेकिन पूरा पैकेट अगर आप खरीदते हैं 6 यूनिट्स आर देयर इन अ पैकेट, सो राइट द कॉस्ट विल बी 25 रुपीज, राइट. अगर आप 5 रुपीज के हिसाब से देखें इट शुड बी 30 रुपीज, बट यू आर गेटिंग दिस कंप्लीट पैकेट एट द कॉस्ट ऑफ 25 रुपीज. इसका मतलब क्या हुआ, इन केस ऑफ बल्क परचेसिंग यू आर गेटिंग सम डिस्काउंट एंड दिस इज द काइंड ऑफ डिस्काउंट, है ना. तो ये देखिए अगर डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, इफ द मैन्युफैक्चरर इज नॉट ऑफरिंग एनी डिस्काउंट, देन दिस फिक्स्ड कॉस्ट इज बेसिकली इन्वेंट्री कॉस्ट और यू कैन से द परचेस कॉस्ट. ये देखो अब देख लीजिए कि पूरे साल में आपको कितना इन्वेंट्री कॉस्ट होगा, ये कैलकुलेट करना होगा पूरे एक ईयर में, इन कंप्लीट वन ईयर व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट. सो लेट मी कैलकुलेट टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस प्लस यूनिट कॉस्ट, राइट. नाउ इफ यू सी होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, दिस वैल्यू टोटल वैल्यू इज 2 इनटू आर इनटू सी 3 इनटू सी 1. ये देखिए रेडीमेड इक्वेशन हम लोगों को याद होती है ना, एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एट ईओक्यू this holding cost plus ordering cost, we have developed the derivation for this, equation for this, it is root 2 into r into c3 into c1, plus unit cost kitna hoga, right, aapko annual requirement kitni hai r ki, aur ek unit ki cost kitni hai c hai, that will be the unit cost. So total cost you will get, total cost
Finally, we will get this equation root 2 into R into C3 into C1 plus R into C. ये देखो, ठीक है? So calculate total cost and this way we can calculate total cost. Let me write the final answer. Check करके देख लीजिएगा. It is 21,000 rupees. ये देखिए, C is 2 rupees, R is 10,000 rupees. ठीक है, यहां पर आप वैल्यूज पुट अप कर लीजिए. सो टोटल विल बी 21,000 रुपीस. करेक्ट, 21,000 रुपीस इज करेक्ट. कैन वी डायरेक्टली ऐड द कॉस्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस दिलीप कुमार सर? कैन वी डायरेक्टली ऐड द कॉस्ट? मतलब नहीं समझा मैं इसका क्या हुआ. ऐड ही तो कर रहे हैं हम लोग. टोटल कॉस्ट मेंशन नहीं है एट, देखिए कुछ मेंशन नहीं, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट? अगर यहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ना, इसका मतलब क्या हुआ? वी आर फॉलोइंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल. ठीक है, अगर इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इन्होंने, तो हम इसका मतलब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट वी आर फॉलोइंग दिस थिंग. क्वांटिटी इंटू यूनिट कॉस्ट, क्यों नहीं लिया फिक्स कॉस्ट को? क्या बोल रहे हो मोहन? R into C ऐड ही क्यों ऐड हुआ? हाँ, यस, देन वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग डायरेक्ट इक्वेशन. अगर ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे कैलकुलेट नहीं करना, देन टोटल कॉस्ट इज गिवन बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट. सो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज हाउ मच? ऑर्डरिंग कॉस्ट की इक्वेशन आप देख लीजिए, इट इज आर बाय क्यू इंटू सी थ्री प्लस प्लस योर होल्डिंग कॉस्ट विल बी सी वन इंटू, चेक कीजिए सीधी प्रीवियस इक्वेशन, सी वन इंटू क्यू डिवाइडेड बाय टू. इस तरह से कैलकुलेट किया था ना हम लोगों ने टोटल कॉस्ट एट अदर देन ईओक्यू. ठीक है, so in this way we have to calculate total cost if it is not economic order quantity. ये क्या 100 plus 2 plus 0.5, क्या है ये 100 plus 2 plus 0.5? यार ये अंकुश, तुम कहां से आए हो यार, अभी अचानक आ गए हो क्या? आप कल नहीं थे क्या? क्या लिख रहे हैं आप ये 100 plus 2 plus 0.5? यार अंकुश, मीन्स यू शुड टॉक लाइक मैकेनिकल इंजीनियर, यू शुड नॉट टॉक लाइक कॉमर्स स्टूडेंट. इनका यूनिट सब बराबर है क्या? किसी भी पैरामीटर को आप ऐड कब कर सकते हो जब सबका यूनिट बराबर हो, राइट? आपका मैथमेटिक्स क्या करता है? बचपन में हम लोगों ने यही पढ़ा है ना कि अगर आप x प्लस वाई करते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब x का यूनिट और y का यूनिट और z का यूनिट बराबर होगा, तभी तो आप ऐड कर सकते हो ना. एक आदमी, पांच गधे, दस घोड़े, इनको ऐड कर सकते हो क्या? नॉट पॉसिबल. एक आदमी प्लस पांच आदमी प्लस दस आदमी, तभी तो आप ऐड करोगे ना. तो अगर आप x और y को ऐड करके z कैलकुलेट करते हैं, दिस इक्वेशन इज वैलिड व्हेन द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ x एंड y आर सेम, देन ओनली यू कैन ऐड दिस टू इक्वेशंस, दिस टू पैरामीटर्स. यहां पर सबकी यूनिट अलग अलग है. Okay, so in this way we can calculate all these things. Now reorder point when lead time is 1 month, calculate कीजिए reorder point. ये देखिए, in order to calculate reorder point, please draw the graph. ये देखो, ऐसा graph होता है ना आपके हमारे पास, कल बताया था मैंने आप लोगों को. Let us consider this is reorder point. This is reorder point and lead time is given 1 month. ये देखो, ये lead time होता है ना, this value is lead time and this is given 1 month, right? And this complete value is given 12 month. ये पूरे एक साल के लिए मैंने साइकिल ड्रॉ कर लिया. इसका मतलब क्या हुआ? दिस कंप्लीट टाइम इज 12 मंथ, वन ईयर है ना. नाउ इफ दिस कंप्लीट टाइम इज 12 मंथ, देन दिस वैल्यू विल बी हाउ मच? 10,000 यूनिट्स है ना. ये देखो, चेक कर लीजिए, राइट? इफ यू कंसीडर ए कंप्लीट ट्रायंगल फॉर वन ईयर, स्लोली इट इज कंज्यूमिंग ना. ये देखो, सो इफ लीड टाइम इज गिवन 1 month, ये देखिए,
and if the cycle is drawn for 12 month time period, so now in this case we have to calculate reorder point. Is point ki value batana hai aapko, right? We have to calculate x, right? Now how to calculate the value of x? Simple, apply property of similar triangles. Simply apply property of similar triangles, right? So you can see ek ye bada triangle dikh raha hai aapko, right? And we are having a smaller triangle. Similar triangles hain, so one is a bigger triangle and second one is a smaller triangle, right? So this side for the bigger triangle, ye dekhiye, this side for bigger triangle is 10,000, right? And analogous or similar side for a smaller triangle will be x. Check kijiye, is equal to, now if you see the base, ye dekhiye, bigger triangle base is 12 units, for a smaller triangle the base is 1 unit. So if you want to calculate the value of x, it will be 10,000 divided by 12. Kitna hua, calculate kar lijiye, it is 833.3 units, right? Means this value is 833.3 units. ठीक है, समझ में आया आपको? तो जब भी आपके पास 833 यूनिट्स बैलेंस होता है तो आप इमीडिएटली यू हैव टू प्लेस द ऑर्डर. आंसर इज 833. अरे ये कंप्लीट ईयर के लिए ड्रॉ किया है मैंने. आई हैव ड्रॉन दिस फॉर कंप्लीट ईयर, वन ईयर के लिए ड्रॉ किया है. यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग वन साइकिल ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. यू कैन सॉल्व बाय कंसीडरिंग वन साइकिल. ये देखिए, इफ यू कंसिडर दिस एज 2.4 मंथ्स, देन दिस विल बी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2000. यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक ही बात है यार, सेम थिंग. ये देखो, दिस वैल्यू इज वन मंथ. दोनों तरीके ठीक हैं, यू विल गेट सेम आंसर, वन मंथ. Again apply property of similar triangle, you will get same answer. Again apply property of similar triangle, you will get same answer. Both ways are correct. दोनों तरीके सही है. ये देखिए, अगर आप एक बड़ा ट्रायंगल कंसीडर करें फॉर कंप्लीट वन ईयर, इफ यू आर कंसीडरिंग द ट्रायंगल, इट विल बी लाइक दिस. ये देखो, दिस इज 12 मंथ, दिस इज वन मंथ. If you are considering this as 12 month, this will be complete yearly demand, 10,000 units. ये देख लीजिए, दोनों triangle आप देख लीजिए, दोनों सा triangle मैंने draw कर दिया. If whether you follow this approach, you will get same answer. ये देखो, यहाँ पर आपको x calculate करना है, ये value x है, यहाँ भी ये वाली value x है. Try कर लीजिए, you will get same answer and the answer is 833.3. Same answer आएगा, same. कुछ भी नहीं है यार, सिंपल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. यहां से भी कर सकते हो पूजा, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट, बट इससे आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा ना आपको. लीड टाइम, आपको रीऑर्डर पॉइंट कैसे पता चलेगा पूजा? इससे इफ यू डू क्यू इज इक्वल टू आर इंटू टी, कैसे कैलकुलेट करेंगे लीड टाइम आप यहां से? लीड टाइम कंजम्पशन, रीऑर्डर पॉइंट सॉरी. देख लो, सिंपल ज्योमेट्री है यार, कुछ भी नहीं है, सिंपल स्लोप का कॉन्सेप्ट है, नथिंग एक्चुअली बिग इन दिस. ठीक है, नाउ प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, ऑल्दो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू, बट जल्दी से मुझे बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ठीक है, दिस इज गेट एग्जाम क्वेश्चन, प्लीज क्विकली ट्राई दिस क्वेश्चन एंड गिव द करेक्ट आंसर. थर्ड का आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 21,000 रुपीज रामानुजन. आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन इज 21,000. करेक्ट सुब्रनिल, करेक्ट आंसर सुब्रनिल, करेक्ट आंसर. सो यू कैन सी द एनुअल डिमांड इज गिवन 8 लाख पर यूनिट. सो आर इज गिवन, एनुअल डिमांड इज गिवन, इट इज 8 लाख
per unit, per year, sorry, per year. 8 lakh units per year. Annual demand is given 8 lakh units per year. Right? Ordering cost is given. Ordering cost means C3 is given. It is rupees 1200. Right? ये देख लीजिए, cost of storage of spring is given. It is 120 rupees 120 per piece per annum. So C1 is given. It is rupees 120 per unit per year. Simply put up the values. EOQ is root 2 into R into C3 divided by C1. यहाँ पर values put up कीजिए 2, R is 8 lakh. Simple formula based question है. Git का question है ये. C3 is 1200 rupees divided by C1. C1 is 120. So when you solve this, your economic order quantity is 4000 units. करेक्ट. देख लो, अगर हाफ हाफ ईयरली ये सारी यूनिट्स ना, एक्चुअली देखो ये वाला आप जो भी ले रहे हो ये सब बराबर होना चाहिए. 120 ले रहे हैं ना आप यहां पर, ये पर ईयर है, देख लीजिए, दिस इज पर ईयर. अगर मैं इसको 120 रुपीज पर मंथ दे दूं और ये ईयरली ले रहे हैं, देन देयर विल बी मिसमैच. इफ दिस वैल्यू इज गिवन, C3 इज गिवन इन टर्म्स ऑफ पर मंथ एंड यू आर टेकिंग पर ईयर, दिस डिमांड इज टेकन एज पर ईयर, then this there will be wrong answer. If this value is per year, then this value should also be per year, then only you will get the correct answer. If this value is on per month basis, then this also per month basis. ठीक है, बस ये देखना है आप लोगों को कि सारी units uniform होनी चाहिए. अगर ये per annum है तो ये भी per annum होना चाहिए, then only it will work. ठीक है, now please write down next topic is please write down production model. Second model is production model. Yes, month to year. Yes, we convert month to year. Yes, Amrish, you are right. Chaliye, now another model is production model. What is the meaning of production model? The meaning of production model is, now we are not going to procure, we are not going to purchase the inventory from the outside source. Right, from the outsource, we are going to manufacture the inventory in our own factory. That is the meaning of production model. What is the meaning of production model? The inventory is produced inside the factory and it is consumed inside the factory itself. Means whatever inventory is required, first of all we are going to manufacture that inventory, and after manufacturing the inventory we are going to consume same inventory. Samajh mein aa raha hai aapko? Ye kehlata hai production model. So what are the assumptions in production model? The first assumption is, ये देखिए, consumption rate or demand is finite and known, then only it will be deterministic model. Right? If the consumption rate is not certainly known, right, then it is not deterministic, it will be probabilistic model. So your consumption rate or demand should be certainly known to you. ये देखिए, known, and it should be finite, it should not be infinite. Right? So the consumption rate is finite and the demand should be certainly known. Supply is finite, ये देखिए. In the previous case, we discussed that the supply is infinite. It is actually instantaneous replenishment. Previous case mein dekhiye, in case of Wilson model, our supply was instantaneous replenishment. Right? Our supply was what? Infinite. Aapne dekha tha, aapne jo graph dekha wo aisa tha. At time is equal to t is equal to 0, we are going to get full inventory. Ye dekhiye, inventory level is full. This is full inventory level and slowly it is consumed. But here the supply is not infinite. The supply is what? It is finite. Right? The supply is finite. It is not instantaneous. So in previous model, we discussed that the supply is instantaneous. See, previous model mein graph mein aapko dikhata hoon. If you see the graph, actually this graph is, ye dekhiye, ye graph hai na? Ye dekhiye. Agar aap t is equal to 0 pe full inventory receive karte hain, iska matlab kya hua? ये देखिए, at t is equal to 0, right, you are going to get full inventory. This Q inventory is received. It means it is instantaneous replenishment. Yeah, your supply is infinite. But if the supply is not infinite, if the supply is gradual or the supply is finite, actually slowly, basically the inventory level is increasing. ये देखो, यहाँ पर देखिए. So slowly your inventory level is increasing.
ये देखिए, इफ यू सी दिस पर्टिकुलर ग्राफ, अभी बताता हूँ इन सारे ग्राफ का मतलब क्या हुआ, इट इज वेरी मीन्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, लेट मी एक्सप्लेन दिस वन, इतने इतने सारे लाइंस का यहाँ पर मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ मैं आपको। तो पहले अजम्पशन समझ लीजिए आप, सो सप्लाई इज फाइनाइट, सप्लाई यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं है। अब अगर आप कोई भी आइटम मैन्युफैक्चर करेंगे ना, तो स्लोली इट विल बी मैन्युफैक्चर्ड ना, सो द सप्लाई कैन नॉट बी इनफाइनाइट, इट इज फाइनाइट। सो इट इज नॉट इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट, बट इट इज राइट नॉन इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट। साइकिल टाइम इज कॉन्स्टेंट, दैट इज सेम एज प्रीवियस, इसका साइकिल टाइम कॉन्स्टेंट होता है, हर साइकिल का टाइम फिक्स है। द शॉर्टेज एंड स्टॉक आउट सिचुएशन इज नॉट परमिटेड, ये देखिए ये सेम है, इट इज सेम एज प्रीवियस, सेम एज प्रीवियस, दिस इज ऑल्सो सेम एज प्रीवियस, सेम एज प्रीवियस, दिस इज चेंज्ड एंड दिस वन इज सेम एज प्रीवियस, ये देखो right, so I think you got the concept of assumptions. What are the assumptions in this production model? Assumptions are very important. So consumption rate or demand is finite and known, supply is finite, right, it is not not instantaneous replenishment, cycle time is constant, it is same as previous, and shortage is not permitted in this, and shortage is not permitted, and that is your production model. Theek hai, अब देखिए, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस ग्राफ, एक्चुअली दिस ग्राफ इज लिटिल बिट वेरी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, मेनी स्टूडेंट बाय लुकिंग द ग्राफ इटसेल्फ दे एक्चुअली लूज द कॉन्फिडेंस ऑन दिस मॉडल एक्चुअली। तो इस ग्राफ को समझना बहुत आसान है बच्चों, इसको एक एक चीज मैं पहले बताता हूँ आपको, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ड्रॉ दिस ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ड्रॉ दिस ग्राफ, इसको ड्रॉ कर लीजिए आप आपके रजिस्टर पे। अब देखिए, लेट मी डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ। Now, if you see this, actually, this upper line, let me write, this point is O and this point is S, S point A. Actually, this line OP, right, represents the rate of supply or production rate. Isko hum K se denote karenge yahan par, dekhiye. This is K. Slowly, I will teach you this thing. Let me write what is K. Jab bhi main K likhta hun, isko hum bolte hain production rate. Production rate. What is the meaning of production rate? The rate at which the inventory is produced. What is production rate? The rate at which inventory is produced. Inventory is produced. Why we talk about production rate in this model? Because the name of the model itself is production model. So the meaning of production model is, now instead of placing the order to the outside source, we are going to manufacture the inventory in our own factory. राइट right? देखा होगा आप लोगों ने ना, मेक और बाय डिसीजन का एक बेसिकली मॉडल पढ़ते हैं कि हम लोगों को एक पर्टिकुलर आइटम बनाना चाहिए हमारे फैक्ट्री के अंदर या बाय करना चाहिए, दैट इज मेक और बाय डिसीजन, ठीक है। सो ये देखिए, दिस इज योर प्रोडक्शन रेट, के इज नोन एज प्रोडक्शन रेट, मतलब किस रेट से प्रोडक्शन हो रहा है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन रेट। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोडक्शन रेट में भी 100 यूनिट्स पर डे और द प्रोडक्शन रेट में भी 1000 यूनिट्स पर मंथ, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, 1000 यूनिट्स पर मंथ, right? Or it may be 10,000 units per year, right? That is rate, means any parameter which is divided by time, it will become rate. Kisi bhi parameter ko agar aap time se divide kar dein, then it will become rate. So if we divide the units by time, then it will become rate. So the production rate is denoted by K. Let me again write this thing. Production rate is ko K se denote karenge. Dekhe, slope of this line is what? It is K. And K is known as production rate. Production rate. राइट right? अब देखिए, इफ आई राइट आर, इट इज योर ओल्ड कन्वेंशन एंड द मीनिंग ऑफ आर इज कंजम्पशन रेट, कंजम्पशन रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न टू पैरामीटर्स, द फर्स्ट पैरामीटर इज प्रोडक्शन रेट एंड द सेकंड पैरामीटर इज कंजम्पशन रेट। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, इन प्रोडक्शन मॉडल द प्रोडक्शन रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन कंजम्पशन रेट, ये देखो, प्रोडक्शन रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन कंजम्पशन रेट। The meaning of this is, if the production rate is 100 units per day, then the consumption rate may be 80 units per day. ये देखो, मतलब आप डेली कितना प्रोड्यूस करते हो, 100 यूनिट्स, बट आप कंज्यूम कितना कर पाते हो डेली, ओनली 80 यूनिट्स, राइट? वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स बिकॉज प्रोडक्शन कैपेसिटी इज मोर, सो इफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी इज मोर, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर अमाउंट। सो लेट अस कंसिडर, द प्रोडक्शन रेट इज 100 यूनिट्स पर डे, right? And if the consumption rate is less, consumption rate is only 80 units per day. इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर आपने produce ज़्यादा किया है और consume कम किया है, तो हमारा stock built up होना चालू हो जाएगा ना? 20 units per day के basis पे
रेट पर आप डेली बेसिस पर आप इन्वेंट्री सेव करेंगे। हमारे यहां पर इसमें प्रोडक्शन मॉडल में हम इसको बोलते हैं स्टॉक बिल्टअप रेट, स्टॉक बिल्टअप। ये सारे टर्म्स को समझिए पहले आप, स्टॉक बिल्टअप रेट, राइट। सो इफ प्रोडक्शन रेट इज मोर, सपोज इट इज 100 यूनिट्स पर डे एंड इफ द डिमांड और रिक्वायरमेंट इज लेस, इट इज ओनली 180 यूनिट पर डे, इसका मतलब 100 आपने जनरेट किया है, आपने मैन्युफैक्चर कितना किया 100 यूनिट्स और रिक्वायरमेंट कितने की थी 80 यूनिट्स की, तो इसका मतलब 20 यूनिट्स पर डे के बेसिस पर जो स्टॉक होगा इन्वेंट्री होगी वो एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगी ना। तो हमारे प्रोडक्शन मॉडल में हम इसको बोलते हैं स्टॉक बिल्टअप रेट, स्टॉक बिल्टअप रेट। अब देखिए, सिंस इन दिस केस, इन केस ऑफ प्रोडक्शन मॉडल द प्रोडक्शन रेट इज मोर एंड कंजम्पशन रेट इज लेस, तो इसमें क्या करते हैं आप, ये देखिए इफ यू कंसीडर दिस टाइम पीरियड टी वन, हमारा एक साइकिल यहां पर टी टाइम का होगा, देखिए दिस इज साइकिल टाइम टी एंड दिस साइकिल टाइम टी इज डिवाइडेड इनटू टू स्लॉट्स टी वन एंड टी टू। ये देखिए दिस इज टी वन एंड दिस इज टी टू, लेट मी चेंज द कलर, ये देखिए रेड कलर लेता हूं मैं। सो दिस कंप्लीट साइकिल टाइम टी इज नाउ फर्दर डिवाइडेड इनटू टी वन एंड टी टू, इसको दो स्लॉट में आप डिवाइड कर लेते हो। दो स्लॉट में डिवाइड हम इसलिए करते हैं, यहां पर जो टी वन आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, इस टी वन का मतलब है दिस इज द टाइम पीरियड इन विच प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बोथ टेक्स प्लेस। इस इनिशियल टाइम पीरियड में देख लीजिए, फॉर दिस टाइम पीरियड आपने प्रोडक्शन भी किया है और कंजम्पशन तो लगातार हो ही रहा है। सो इन केस ऑफ टाइम पीरियड टी वन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, बट इन केस ऑफ टाइम पीरियड टी टू प्रोडक्शन डज नॉट टेक प्लेस, ओनली कंजम्पशन टेक प्लेस। समझ में आया आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी वन एंड टी टू? द मीनिंग ऑफ टी वन इज व्हाट? टाइम पीरियड फॉर विच प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। यहां पर देख सकते हो आप, टी वन में यहां पर दिख रहा होगा आपको, ये देखिए लेट मी रिमूव दिस थिंग। टी वन यहां पर देखो प्रोडक्शन हो रहा है ना, ये लाइन क्या बता रही है आपको? प्रोडक्शन बता रही है ना, प्रोडक्शन रेट, राइट। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे टी टू में, प्रोडक्शन वाली लाइन नहीं दिख रही है आपको, इट इज नॉट देयर, प्रोडक्शन इज नॉट देयर फॉर टाइम पीरियड टी टू। बट कंजम्पशन टी वन हो या टी टू हो, कंजम्पशन यूनिफॉर्म रेट से होता रहेगा हमेशा, राइट। वेदर इट इज टी वन और टी टू, कंजम्पशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट यूनिफॉर्म रेट, राइट। तो ये देखिए दिस इज योर प्रोडक्शन रेट डिनोटेड बाय के, और ये जो नीचे वाली लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं स्टॉक बिल्टअप रेट, के माइनस आर, दिस इज योर स्टॉक बिल्टअप रेट। और ये वाली जो लाइन है दूसरी टाइम पीरियड टी टू के लिए जो मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन रेट, देखिए करेक्ट है। अब देखिए इफ यू कंसिडर, एक मिनट, अब देखिए इफ यू कंसिडर ओनली प्रोडक्शन, सपोज फॉर टाइम पीरियड टी वन देयर इज नो कंजम्पशन, आप कंज्यूम नहीं कर रहे, सिर्फ प्रोडक्शन करते ही जा रहे हो आप, तो इस टाइम पीरियड टी वन में मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी जनरेट कर लेंगे आप? दिस विल बी द मैक्सिमम इन्वेंट्री जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड फॉर टाइम पीरियड टी वन। ये देखिए क्यू लिखा हुआ दिख रहा है ना, कि अगर यहां पर दिस लाइन इज नॉट देयर, इफ कंजम्पशन इज नॉट देयर फॉर टाइम पीरियड टी वन, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम इन्वेंट्री व्हिच इज एक्युमुलेटेड एट योर वेयर हाउस, दैट विल बी क्यू। ये देखो राइट, अगर आपने सिर्फ प्रोड्यूस किया है, आपने कंज्यूम नहीं किया, तो आपके पास टोटल इन्वेंट्री कितनी एक्युमुलेट हो जाएगी, इट विल बी क्यू, राइट। सिंस बट सिंस प्रोडक्शन अलोंग विद द प्रोडक्शन कंजम्पशन आल्सो टेक्स प्लेस, तो कंज्यूम होने के बाद जो के है, के माइनस आर अगर आप कैलकुलेट करें, इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के माइनस आर, इट विल बी स्टॉक बिल्टअप रेट, बिल्टअप रेट, राइट। ये देखिए दिस वन इज, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द स्टॉक बिल्टअप रेट, ये देखिए, एंड टाइम पीरियड टी वन के लिए जो भी आपने स्टॉक बिल्टअप किया है, the same stock we are going to consume for the time period T2, and always remember for time period T2 we are not going to produce any inventory we are not going to produce. So you can see, right, this is your consumption rate, this will this line represents your production rate, and this will be your stock built up rate, K minus R. समझ में आया आपको? अब देखिए अगर आपने इस लाइन को मत कंसिडर कीजिए, ये देखिए इस पॉइंट तक, so if you consider, let us consider this is point A and this is point B. अगर इस लाइन ए बी को अगर आप एक्सटेंड करें, if you extend this line AB beyond point B, let me write this is point B and this is point A. And suppose this line is not there. Initially ये लाइन नहीं थी, बाद में मैंने ड्रॉ किया है, तो अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करोगे ना, ऑटोमेटिकली दिस लाइन विल रीच अप टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द टोटल इन्वेंट्री क्यू। करेगा या नहीं करेगा? ऐसा क्यों हो रहा है? अभी आपको दो तीन मिनट पांच मिनट के बाद समझ में आ जाएगा। ऑटोमेटिकली विल कम टू नो व्हाई इफ यू एक्सटेंड दिस लाइन, ऑटोमेटिकली दिस लाइन मीट्स एट पॉइंट दिस, एट दिस पॉइंट, एंड वे एट दिस पॉइंट द टोटल इन्वेंट्री विल बी क्यू।
अब मुझे आप लोग बताइए कि अगर आपने इन्वेंट्री प्रोड्यूस किया है, लेट अस कंसीडर प्रोडक्शन रेट इज के एंड द स्टॉक बिल्ट अप रेट इज के माइनस आर, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम इन्वेंट्री अवेलेबल एट योर वेयर हाउस? द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल विल बी दिस, ये देखो इसको हम आई एम बोलते हैं. आई एम इज व्हाट? मैक्सिमम इन्वेंट्री, राइट? मैक्सिमम इन्वेंट्री इज नॉट क्यू, इट इज नॉट क्यू, इट इज आई एम. व्हाई इट इज आई एम, व्हाई इट इज नॉट क्यू? बिकॉज अगर हमारे हमारे पास सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा है, इफ ओनली प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ड्यूरिंग टाइम पीरियड टी वन, देन द मैक्सिमम इन्वेंट्री मे बी क्यू. बट सिंस अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन, राइट, कंजम्पशन आल्सो टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी इन्वेंट्री आपने जनरेट किया, टोटल इन्वेंट्री दिस मच, इसमें से आपने इतना इन्वेंट्री तो साइमल्टेनियसली कंज्यूम कर लिया टाइम पीरियड टी वन में, तो आपके पास कितनी इन्वेंट्री, मैक्सिमम इन्वेंट्री बचेगी, दैट इज बेसिकली डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ स्टॉक बिल्टअप रेट. आप देख लीजिए, दिस वन इज स्टॉक बिल्ट अप रेट के माइनस आर, एंड एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड टी वन दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल एट द वेयर हाउस, जिसको आप नेक्स्ट साइकिल में टाइम पीरियड टी टू में यूज करेंगे. समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये देखिए, फाइनली लेट मी राइट एंड प्लीज कॉपी दिस डायग्राम एट योर नोटबुक. दिस इज के, दिस इज के माइनस आर, एंड दिस इज आर, दिस इज आर. कॉपी कीजिए, यहां तक कॉपी कर लीजिए, राइट. और भी तरीके से मैं बता सकता हूं इसको, कि अगर आप इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लीजिए, देखिए थोड़ा डार्क लाइन ले लेते हैं, और इस ट्रायंगल को अगर आप कंसीडर करें, इफ यू कंसीडर दिस ट्रायंगल, ये देखो ये ट्रायंगल एक्चुअली आपको क्या बताता है, दिस ट्रायंगल इज टेलिंग यू, राइट, व्हाट इज आर, व्हाट इज आर फॉर टाइम पीरियड टी वन. और ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल आपको क्या बताता है, राइट, ये वाला ट्रायंगल क्या बताता है, व्हाट इज आर फॉर टाइम पीरियड टी टू. If you add these two triangles, you will get complete this big triangle. If you add this small triangle and this small triangle, agar aap dono triangle ko add karenge, you will get complete big triangle like this. Ye dekhiye. Correct? So please prepare this diagram. Right? What is Q? This is total inventory. Q is total inventory. Note kijiye. Q is total inventory if only production takes place. Only production takes place. Note कीजिए. Right, next one is, please write all the parameters. What is the meaning of all the parameters? Please write down. So number one, production rate already you have noted down. Production rate. ये सारे parameters एक साथ लिखता हूं मैं, ठीक से नोट कर लीजिए. प्रोडक्शन रेट नंबर टू, आर कंजम्पशन रेट, कंजम्पशन रेट नंबर थ्री, प्रोडक्शन रेट इज ग्रेटर देन कंजम्पशन रेट. नंबर फोर, के माइनस आर, इसको आप बोलते हैं स्टॉक बिल्ट अप रेट, स्टॉक बिल्ट अप रेट. के माइनस आर इज व्हाट? स्टॉक बिल्ट अप रेट, राइट. नंबर फाइव, व्हाट इज टी वन? नोट डाउन कीजिए, T1 is time period for which, right, for which production and consumption, production and consumption both takes place, right. T1 is what? The time period for which production and consumption both takes place. And what is T2? T2 is time period for which only consumption takes place, right. Number seven, what is IM? Maximum inventory level. ठीक है, नोट कीजिए. अभी बताता हूं अभिजीत, अभी थोड़ी देर वेट करिए, ऑटोमेटिकली आई विल कम टू दैट पॉइंट.
स्टॉक बिल्टअप रेट का मतलब क्या हुआ दिलीप कुमार? देखो प्रोडक्शन रेट की वैल्यू ज्यादा होती है, सपोज इट इज 100 यूनिट्स, आप ज्यादा रेट से प्रोड्यूस करते हो, जबकि कंजम्पशन रेट इनिशियली कम होता है, इट इज 80 यूनिट्स फॉर दिस स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम T1. प्रोडक्शन रेट इज मोर एंड कंजम्पशन रेट इज ऑलवेज यूनिफॉर्म वेदर इट इज T1 एंड T2. ये कंजम्पशन रेट दोनों साइकिल के लिए, मीन्स फॉर दिस पीरियड एंड दिस पीरियड, द प्रोडक्शन रेट मीन्स कंजम्पशन रेट इज सेम, दैट इज 80 यूनिट्स पर डे, बट प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली फॉर टाइम पीरियड T1 एंड इट इज ऑलवेज मोर देन द कंजम्पशन रेट. तो अगर प्रोडक्शन ज्यादा है और कंजम्पशन कम है तो स्टॉक बिल्टअप होना चालू हो जाएगा ना, देर विल बी एक्यूमुलेटिंग लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ द स्टॉक इन द वेयर हाउस. तो जो हमारा स्टॉक बिल्टअप है ना, वो इन दोनों का डिफरेंस होगा एक्चुअली, 100 माइनस 80, इस रेट से स्टॉक बिल्टअप होगा ना, राइट? सो दिस के माइनस आर, दिस इज नोन एज स्टॉक बिल्टअप रेट, राइट? एंड दिस इज शोन विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, दिस इज के माइनस आर एंड दिस लाइन इज के, राइट? दिस इज बेसिकली आर, राइट? एंड टी इज इक्वल टू T1 प्लस T2. ये देखिए टी साइकिल टाइम कहलाता है, और ये हर साइकिल के लिए, देखिए दिस इज वन साइकिल, दिस इज अनदर साइकिल, एंड इट इज बेसिकली साइकिल टाइम इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल साइकिल्स. ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर आप लोगों को क्या क्या कैलकुलेट करना सीखना होगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके गेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट, राइट? सो लेट मी राइट कंप्लीट कंटेंट ऑफ दिस मॉडल. ये थोड़ा लेंदी मॉडल है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी माना जाता है. नंबर वन, राइट, वी हैव टू सी कॉन्सेप्ट ऑफ T1 एंड T2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कॉन्सेप्ट ऑफ T1 एंड T2. नंबर टू, राइट, वी हैव टू डेवलप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला, राइट? एंड एग्जैक्टली इन केस ऑफ प्रोडक्शन मॉडल वी डोंट कॉल दिस एज अ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वी कॉल दिस एज अ इकोनॉमिक बैच साइज, इकोनॉमिक बैच साइज, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू ऑर्डर द इन्वेंट्री फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी, वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर द इन्वेंट्री इन अवर ओन हाउस, इट मीन्स दिस विल नॉट बी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ऑर्डर तो कुछ किया ही नहीं ना आपने, इट इज इकोनॉमिक बैच साइज, एक बैच आप प्रिपेयर करेंगे, दैट इज इकोनॉमिक बैच साइज, और उस बैच की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, दैट विल बी डिसाइडेड बाय सम फॉर्मूला. नंबर थ्री, राइट, यहां पर एक कॉन्सेप्ट हम लर्न करेंगे, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर, अभी बताता हूं ये क्या होता है, राइट? नंबर फोर, वी हैव टू डेवलप ए रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, वी हैव टू डेवलप ए रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2. ये T1 T2 क्या होते हैं, यू नो वेरी वेल. नंबर फाइव, वी हैव टू डेवलप ए रिलेशन बिटवीन IM एंड Q, एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IM, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q. वी हैव टू डेवलप ए रिलेशन बिटवीन IM एंड Q, डायरेक्ट क्वेश्चन गेट में पूछा गया आपके एग्जाम में, रिलेशन बिटवीन IM एंड Q. नंबर सिक्स, वी हैव टू डेवलप इक्वेशन फॉर टोटल कॉस्ट, we have to develop equation for total cost same as previous case, and at the last we have to develop the equation for optimal cycle time. ye dekhiye, in this way in case of production model we have to develop 7 equations, we have to see 7 concepts. First one is a concept of T1 and T2. Second one is a concept of economic order quantity. In this case, it is economic batch size. Third one is a concept of production factor. ये पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा. ये this is the new concept in case of production model. Next one is a relation between T1 and T2. And next one is a relation between IM and Q. Now you know very well what is T1 and T2 and what is IM and Q. ठीक है? फिर जैसा आप लोगों ने previous case में देखा था, we have developed equation for total cost. Here also we are going to develop equation for total cost based on this economic order quantity formula. Next one is the equation for optimal cycle time. Again, it is based on economic order quantity formula. ठीक है? Note कर लीजिए. Please write one line. कंजम्पशन रेट की लाइन थोड़ी नीचे से ड्रॉ क्यों नहीं की? क्योंकि वो तो लेस देन प्रोडक्शन रेट है, मतलब नीचे तो है ये. कौन सी लाइन बोल रहे हो आप? स्लोप है ये, है ना? तो ये देखिए, ये एक्चुअली प्रोडक्शन रेट है. दिस वन इज प्रोडक्शन रेट एंड दिस वन इज स्टॉक बिल्ट अप रेट, के माइनस आर.
कंजम्पशन रेट की लाइन तो मैंने ड्रॉ ही नहीं किया यहाँ पर, ये कंजम्पशन रेट वाली लाइन तो मैंने सेकंड पार्ट के लिए ड्रॉ किया है, ठीक है। नाउ प्लीज राइट वन लाइन, एक लाइन नोट कीजिए, इन प्रोडक्शन मॉडल सर प्रोडक्शन केवल T1 टाइम में होता है, इसके बाद द प्रोडक्शन फैसिलिटीज विल बी स्टॉप्ड, नाउ ओनली वी आर गोइंग टू कंज्यूम द इन्वेंट्री, ठीक है। प्रोडक्शन आप नहीं करते, प्रोडक्शन साइकिल टाइम के कुछ पोर्शन में ही करते हैं। स्टार्टिंग में इन्वेंट्री इज जीरो, जय ये डायग्राम पढ़ो ना यार, ये देखो स्टार्टिंग इन्वेंट्री इज जीरो ना, ये देखिए डायग्राम से दिख रहा है आपको, स्टार्टिंग इन्वेंट्री इज ऑलवेज जीरो, ये देखो स्टार्टिंग इन्वेंट्री इज जीरो, राइट। मैक्सिमम इन्वेंट्री इज आई एम, so if you want to calculate average inventory in this, it will be im plus 0 divided by 2, so average inventory will be im divided by 2, jaise previous case mein aapne q by 2 calculate kiya tha, here it is not q by 2, it will be im divided by 2, theek hai yaar, thoda aage badhne do na mujhe, fir aapko automatically samajh mein aayega kuch cheeze, to mujhe develop to karane dijiye equations, note kijiye, in production model during time period t1, in production model during time period t1, inventory is produced as well as consumed, inventory is produced as well as consumed, and in time period t2 inventory is not produced but only consumed, right, inventory is not produced but only consumed, theek hai। now please draw this diagram, ye copy kijiye aapke register mein, copy kijiye diagram ko, right। now the quality of figure may be poor because this writing in pad is not very comfortable, ye dekhiye actually this line is k, इसको मैंने k कहा था, ये देखिए, and this line is actually k minus r, copy कीजिए, and let us consider this is point A and this is point B, copy कीजिए आप यहां तक, and this value is im maximum inventory level and this value is Q. That is your old diagram only. Now, please tell me whether it is correct or not. मैं जो equation लिख रहा हूँ ये correct है या नहीं? Please check. Can I write K minus R is equal to I M divided by T1? बताइए मुझे. ये देखो. Let me use some different color. Let me use red color and thin pen. ये देखिए. If you consider this triangle K minus R, ये देखिए, if you consider this particular triangle, let me give some name to this triangle. So this is triangle CD. From triangle BCD, can I write this equation? Check कीजिए, this time period is T1. बताइए. Systematically draw कर लीजिए आप. And can I write K minus R? ये देखिए rate है. K minus R is rate. It is im divided by t. ठीक है, या तो प्रीवियस डायग्राम में चलें क्या? इस डायग्राम में देख लीजिए आप, यहां पर देख लीजिए, ठीक है। सो कैन आई राइट दिस वैल्यू इज im, इट इज ऑलरेडी मेंशन, एंड दिस वैल्यू इज t1, एंड दिस इज k माइनस r. So the first equation is K minus R is equal to IM divided by T1. ठीक है, so from this equation I can write IM, I can calculate the value of IM. It is K minus R into T1. देखिए, चेक कीजिए, first equation, second equation please check, दूसरा कलर यूज करता हूं. Now this is K, ये देखिए, this value is K. Now if you consider this bigger triangle, let us consider this is triangle ABC. It is a bigger triangle.
So from this bigger triangle ABC, can you write K is equals to Q divided by T1? लिख सकते हैं क्या? Can write K is equals to Q divided by T1? So from this equation, I can rewrite Q is equals to K into T1. ये देखो, yes. दिख रहा है इसमें? चलिए ठीक है. सो दिस Q इज K इंटू T1, चेक कीजिए. दिस इज इक्वेशन नंबर टू, राइट. अब देखिए, व्हेन यू अगेन सी इक्वेशन नंबर वन, कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, आई एम इज इक्वल टू K इंटू T1 माइनस R इंटू T1. ये देखिए, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम वन कैन राइट K इंटू T1 माइनस R इंटू T1, ठीक है. और देख, ये देखिए, K into T1 can be replaced by Q, so I can write IM is equal to Q minus R into T1. Very important equation for you to get exam, right? So we have IM is equal to Q minus R into T1. Please copy up to this. ठीक है, अब देखिए. Now let me consider another triangle. Let me consider another triangle. Please consider triangle A, B and C. Please consider this bigger triangle. Please consider this bigger triangle. ये देखो, please consider this bigger triangle. In bigger triangle, what is the meaning of this line? The slope of this line is R, na? The slope of this line is R. Now, if you see the value of AC in the bigger triangle, this is Q. ये देखो, and if you see the base is T. ये देखो. So can you write R is equals to Q divided by T? No problem at all. ये देखो, and I can write R is equals to Q divided by T1 plus T2. ये देखो, राइट. प्लीज कॉपी अप टू दिस पॉइंट. सो इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू, कुछ भी नहीं है, आर इंटू टी वन प्लस टी टू, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू, इट इज आर इंटू टी वन प्लस टी टू. प्लीज कॉपी अप टू दिस. Correct. Now, if you want to develop relation between, note kijiye, this is very important equation we are going to develop, ready-made equation, relation between IM and Q. ये देखिए, relation between IM and Q. अभी जो आपने equation number one note किया है, please check the equation number one. This is K minus R is equal to IM divided by T1. Please check this equation. Please check this equation. This is equation number one. आपने already you have noted down this equation. From equation number one, can I write T1 is equal to IM divided by K minus R? ये देखो, very simple geometry. And we have developed equation number two. And the equation number two is K is equal to Q divided by T1. ये देखिए. So from this, can I write T1 is Q divided by K? ये देखो. आपके पास T1 की दो इक्वेशंस हैं, दोनों को इक्वेट कीजिए, यू विल गेट रिलेशन बिटवीन IM एंड Q. ये देखिए, आई कैन राइट IM डिवाइडेड बाय K माइनस R इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय K. दिस इक्वेशन इज नोन एज रिलेशन बिटवीन IM एंड Q. ये भी क्वेश्चन आपके गेट में पूछा हुआ है. सिंपल दो नंबर का क्वेश्चन है. Means out of four parameters, three parameters, two parameters are given, third parameter we have to calculate.
simple means this equation based question they have asked. Okay, so the relation between I m and q, finally we have I m divided by q is equal to k minus r divided by k. This equation is known as relation between I m and q. ठीक है. नाउ द सेकंड टास्क इज डेवलप रिलेशन बिटवीन टी वन एंड टी टू. डेवलप रिलेशन बिटवीन टी वन एंड टी टू. व्हाट इज द प्रोसीजर? द प्रोसीजर इज वी हैव इक्वेशन नंबर वन ऑलरेडी वी हैव डेवलप्ड, दैट इज आई एम इज इक्वल टू के माइनस आर इंटू टी वन. ये देखो, चेक करके देखिए, ये इक्वेशन पहले आपने लिखी हुई है ना, आई एम इज इक्वल टू के इंटू के माइनस आर इंटू टी वन, राइट. अब आप मुझे बताइए, इफ आई कंसीडर दिस ट्रायंगल, इफ आई कंसीडर दिस ट्रायंगल, राइट, दिस वैल्यू इज व्हाट? इट इज आई एम, राइट. दिस वैल्यू इज व्हाट? इट इज टी टू एंड दिस इज आर. सो कैन आई राइट आई एम इज इक्वल्स टू, या हम आर लिख लेते हैं. ये बताइए मुझे, आर इज इक्वल्स टू आई एम डिवाइडेड बाई टी टू लिख सकते हैं क्या? बताइए मुझे. ठीक है, so if you write the equation for I m, it will be r into t2. ये देखो, अब आप देख लीजिए, आपके पास I m की दो equations हैं. This is equation one and this is equation two. अगर आप दोनों को equate करेंगे ना, you will get relation between t1 and t2 in terms of k and r. ये देखिए, by equating these two equations, right? By equating these two equations, you will get t2 divided by t1 is equal to k minus r divided by k divided by r. This is known as relation between T1 and T2. So finally, मेरे पास अभी दो equations मैंने develop किया जो आपके लिए useful है. First one is the relation between I m and Q, and second one is the relation between T1 and T2. ठीक है, एक fresh page में लिखता हूँ, check कर लीजिए आप लोग. ठीक है, so first equation is relation between I m and Q. एंड सेकेंड इक्वेशन इज, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, आई एम डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू के माइनस आर डिवाइडेड बाई आर के, राइट. एंड सेकेंड वन इज रिलेशन बिटवीन टी वन एंड टी टू. ये देखो, टी टू डिवाइडेड बाई टी वन इज इक्वल टू के माइनस आर डिवाइडेड बाई आर. ठीक है, सो टिल नाउ वी डेवलप्ड टू इंपॉर्टेंट इक्वेशंस. वन इज रिलेशन बिटवीन आई एम एंड क्यू, एंड द सेकंड इक्वेशन इज रिलेशन बिटवीन टी वन एंड टी टू. ठीक है, नाउ व्हाट इज थर्ड इक्वेशन वी वांट टू डेवलप? दैट इज द इक्वेशन फॉर इकोनॉमिक लॉट साइज और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. एक्चुअली इन दिस केस वी डोंट कॉल दिस एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वी कॉल दिस एज इकोनॉमिक बैच साइज और लॉट साइज. ठीक है, सो थर्ड इक्वेशन इज, देखो इस प्रोडक्शन मॉडल में ना आप सब कुछ याद करके जाओ यार, आप प्रोडक्शन मॉडल में ना सब कुछ याद करके जाओ, ये थोड़ा सा भूल जाएगा आपको. इसको बिल्कुल अच्छे से एग्जाम के एक दिन पहले याद करके जाना पड़ेगा आपको. प्रोडक्शन मॉडल इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है ना. ग्राफ याद कर लेंगे, वैसे सारी चीजें ग्राफ से निकल के आएंगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल. इफ यू लर्न द ग्राफ थोरोली, राइट, ऑल द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व. सभी अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सब कुछ ग्राफ से तो डेवलप किया ना, तो ग्राफ अगर आप याद कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, नो प्रॉब्लम. चलिए, नाउ द थर्ड थिंग इज, नाउ वी वांट टू डेवलप इक्वेशन फॉर इकोनॉमिक लॉट साइज, राइट, एंड सॉरी इकोनॉमिक लॉट साइज, एंड दिस इज द पैरामीटर एनालॉगस टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ऑलमोस्ट सेम थिंग. ठीक है, नाउ हाउ टू कैलकुलेट इकोनॉमिक, और हाउ वी हैव कैलकुलेटेड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन अवर डिटर्मिनिस्टिक मॉडल विल्सन हैरिस मॉडल. हम लोगों ने सबसे पहले होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट किया, देन वी हैव कैलकुलेटेड ऑर्डरिंग कॉस्ट. आपने दोनों को ऐड किया, राइट, वी विल गेट टोटल कॉस्ट. देन वी हैव डिफरेंशिएटेड टोटल कॉस्ट एंड इक्वेटेड टू जीरो. ठीक है, सो ये देखिए, व्हाट इज होल्डिंग कॉस्ट? होल्डिंग कॉस्ट, राइट, इट इज सी वन इंटू
एवरेज इन्वेंट्री, इट इज एवरेज इन्वेंट्री इनटू साइकिल टाइम इज टी, राइट? नाउ व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री इन दिस केस, ये देखिए इफ यू सी द ग्राफ, राइट, दिस टाइम पीरियड इज टी वन, दिस टाइम पीरियड इज टी टू, राइट, एंड द मैक्सिमम इन्वेंट्री इज आई एम एंड मिनिमम इन्वेंट्री इज जीरो. So what is average inventory? I average. Average inventory, it is maximum inventory plus minimum inventory divided by 2. That is your average inventory. So maximum inventory is IM. Minimum inventory is 0 divided by 2. So you will get average inventory IM divided by 2. Ek uniformity rakhenge aap sabhi mein. Right? जो भी मॉडल आप डेवलप करेंगे ना, सभी में यूनिफॉर्मिटी रखेंगे हम, सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई. सो प्लीज कैलकुलेट द होल्डिंग कॉस्ट. सो होल्डिंग कॉस्ट विल बी होल्डिंग कॉस्ट, राइट, इट इज सी वन इंटू आई एम डिवाइडेड बाय टू इंटू टी, दिस इज होल्डिंग कॉस्ट. ये देखिए दिस इज होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, नंबर वन. नंबर टू इज ऑर्डरिंग कॉस्ट. ये देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट इन केस ऑफ विल्सन हैरिस मॉडल. क्या हम यहां पर कुछ ऑर्डर कर रहे हैं क्या? वी आर नॉट ऑर्डरिंग एनीथिंग, वी आर गोइंग टू प्रोक्योर, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोक्योर एनीथिंग, वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर द इन्वेंट्री इन अवर ओन फैक्ट्री. इट मींस इन प्लेस ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, हम यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह एक दूसरा कॉस्ट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेटअप कॉस्ट, विच इज एनालॉगस टू ऑर्डरिंग कॉस्ट. इन केस ऑफ प्रोडक्शन मॉडल वी यूज ऑर्डर सेटअप कॉस्ट. In case of Wilson-Harris model or basic deterministic model, we use the term ordering cost. So the setup cost in this case is given by, it is equal to C3 only, C3 into number of setups, or number of orders, number of setup per cycle. यही किया था ना, इसके पहले केस में भी हम लोगों ने यही किया था. अब एक साइकिल में सेटअप तो एक ही होगा ना, so it is C3 into 1, that is the ordering cost per setup. Per cycle. So this is the ordering cost per cycle. This is holding cost per cycle. Right? This is ordering cost per cycle. Now what is total cost? Please calculate total cost per cycle. Total cost per cycle. It is how much? C1 into IM divided by 2 into T plus it is C3. Ordering cost is C3. अब आप लोगों ने क्या किया था, टोटल कॉस्ट पर यूनिट साइकिल टाइम आपने कैलकुलेट किया. सो नेक्स्ट वन इज टोटल कॉस्ट पर यूनिट साइकिल टाइम. राइट, सो टोटल कॉस्ट पर यूनिट साइकिल टाइम विल बी C1 इंटू आई एम डिवाइडेड बाय 2 प्लस C3 डिवाइडेड बाय T. चेक कर लीजिए. यहां तक चेक कर लिए, वेट करता हूं मैं एक मिनट. प्लीज चेक अप टू दिस पॉइंट और नोट कर लीजिए. राइट, अब देखिए, नाउ वी हैव डेवलप द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आईएम. आईएम इज अ मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल. राइट, अब आप क्या करेंगे, इस आईएम को बेसिकली क्यू से रिप्लेस करेंगे आप. सो प्लीज रिप्लेस द वैल्यू ऑफ आईएम विद रिस्पेक्ट विद द हेल्प ऑफ क्यू, बिकॉज अवर वेरिएबल पैरामीटर इज क्यू. Quantity is the variable parameter. So, आप इस IM को Q से replace कर दीजिए. And in order to replace the value of IM with Q, I can write IM is equals to what? Q into R into T1. Q minus R into T1. ये देखिए. Already we have derived this equation. Right? And T1 is Q divided by K. ये भी develop किया हुआ है अभी देखिए हम लोगों ने. So, finally you will get IM is equals to, it is Q minus R into Q divided by K. Right? Solve कर लीजिए, you will get IM is Q 1 minus R by K. ठीक है? Now replace the value of IM here and develop the equation for total cost. Develop the equation for total cost.
इन टर्म्स ऑफ क्यू, और फिर क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, है ना। ये देखिए राइट, सो यू विल गेट टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज सी वन इंटू आई एम डिवाइडेड बाई टू, एंड आई एम इज क्यू इंटू के माइनस आर डिवाइडेड बाई के राइट, प्लस सी थ्री डिवाइडेड बाई टी, एंड सी थ्री डिवाइडेड बाई टी इज सी थ्री ओनली, और टी को आप 1 बाई टी को आर बाई क्यू से रिप्लेस कर दीजिए, दिस इज आर बाई क्यू प्लीज कॉपी अप टू दिस, सिंपल है, जो प्रोसीजर आपने पहले रखा था सेम प्रोसीजर। ठीक है, सो दिस इज टोटल कॉस्ट राइट। नाउ इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट द टोटल कॉस्ट, सो फॉर मिनिमम टोटल कॉस्ट डी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, कॉपी कीजिए एंड डिफरेंशिएट कीजिए, प्लीज डिफरेंशिएट दिस टोटल कॉस्ट इक्वेशन, डिफरेंशिएट द टोटल कॉस्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट इकोनॉमिक लॉट साइज। ठीक है, सो व्हेन यू डिफरेंशिएट द टोटल कॉस्ट इक्वेशन, आप डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, यू विल गेट इकोनॉमिक लॉट साइज और इकोनॉमिक बैच साइज इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, चेक करके देखिए, 2 इंटू आर इंटू सी थ्री डिवाइडेड बाय सी वन इन ब्रैकेट के डिवाइडेड बाय के माइनस आर, प्लीज डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, टोटल कॉस्ट इक्वेशन, हाँ इसको प्रोडक्शन फैक्टर कहेंगे, करेक्ट, सो दिस इज इकोनॉमिक बैच साइज एंड इकोनॉमिक बैच साइज इज गिवन बाय 2r c3 रूट 2r c3 डिवाइडेड बाय c1। नाउ इफ यू सी दिस फैक्टर, दिस मींस दिस पोर्शन ऑफ द इक्वेशन, दिस पोर्शन ऑफ द इक्वेशन राइट, दिस इज ओल्ड इक्वेशन, दिस इज ओल्ड इक्वेशन, तो इसको हम एक जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं कि इकोनॉमिक बैच साइज इज इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर ओल्ड इक्वेशन और बेसिकली विल्सन हैरिस मॉडल इनटू प्रोडक्शन फैक्टर राइट। देखिए दिस इज योर जनरल इक्वेशन इनटू प्रोडक्शन फैक्टर राइट, एंड प्रोडक्शन फैक्टर इज गिवन बाय इट इज रूट के डिवाइडेड बाय के माइनस आर, ये प्रोडक्शन फैक्टर कहलाता है, देखिए राइट, दिस फैक्टर इज नोन एज प्रोडक्शन फैक्टर एंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर इज रूट के डिवाइडेड बाय के माइनस आर, इसको प्रोडक्शन फैक्टर कहा जाता है, यस इसको प्रोडक्शन फैक्टर कहेंगे। करेक्ट, दिस इज प्रोडक्शन फैक्टर। ये क्या बोल रहा है भास्कर, क्या बोल रहा है सर, क्यू से क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि क्यू तक तो नहीं नहीं क्यू एक्चुअली आप समझ नहीं रहे हैं, क्यू का मतलब क्या हुआ, द मीनिंग ऑफ क्यू इज सपोज यू आर वर्किंग इन अ मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसका मतलब क्या हुआ समझ में आया आपको, सपोज यू आर वर्किंग इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए बैच ऑफ बेसिकली सम केमिकल
आपने आपको एक केमिकल का बैच प्रिपेयर करना है, तो उस बैच की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, दैट इज क्यू। भास्कर ये जो आप पूछ रहे हो ना, इसका आंसर मैं दे रहा हूं आपको। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक सेट प्रिपेयर करना है, एक मिक्स प्रिपेयर करना है, ठीक है, जैसे कभी आप इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखने जाएं जहां पर इलेक्ट्रोड्स बनते हैं हमारे वेल्डिंग के, वहां पर आप देखेंगे ना, तो हम एक्चुअली जो इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स कोटिंग आप डिपॉजिट करते हो, ये बैचेस में प्रिपेयर होता है। एंड स्पेशली इन केस ऑफ मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी, व्हाट एवर मिक्स यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, व्हाट शुड बी द क्वांटिटी ऑफ दैट मिक्स, दैट इज क्यू। समझ में आ रहा है आपको कि जब भी आप एक सेट प्रिपेयर करेंगे, जब भी आप सेटअप प्रिपेयर करेंगे, तो आप मैक्सिमम क्वांटिटी कितना डिजाइन करोगे उसका, right? Whenever you are going to prepare a cycle, what should be the maximum quantity for that cycle? वो क्यों होता है actually? वो बात अलग है कि जब आप manufacturing करना चालू करेंगे, तो at the same time, actually the product, the item will be consumed. So that is why the queue will be reduced to only means in our hand, what inventory we are going to store, that is I have only. But अगर आप देखें तो पूरा जो ये आप batch देखो ना, ये जो cycle है, इसका मतलब क्या हुआ? पूरा बैच है ये। एक बैच कितने का होगा, कितनी स्ट्रेंथ का होगा, इतने स्ट्रेंथ का होगा। ये देखिए, लेट मी रिमूव दिस थिंग, एंड इफ यू सी द बैच, बैच का जो आप डिजाइन करोगे वो कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के लिए डिजाइन करोगे, क्यू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के लिए, राइट? मींस योर टोटल प्रोडक्शन विल बी क्यू ओनली। वो बात अलग है कि आप सेम टाइम कंज्यूम करते रहते हो, तो आपके पास जो बची हुई इन्वेंट्री होगी वो सिर्फ आईएम होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो होल्डिंग कॉस्ट आप कैलकुलेट करते हैं वो क्यू के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करते आप, वो आईएम के बेसिस पे कैलकुलेट करते हो। ये भास्कर आपके क्वेश्चन का आंसर है कि वी कैलकुलेट दी एक्चुअली द वैल्यू ऑफ होल्डिंग कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आईएम, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्यू, बिकॉज़ इन हैंड द इन्वेंटरी अवेलेबल इज आईएम ओनली। एक साइकिल का मतलब टी वन प्लस टी टू है। ये देखो, दिस वन इज कंप्लीट वन साइकिल, ये एक साइकिल है, ये दूसरा साइकिल है, ये है, ये ऐसे साइकिल्स होते हैं। समझ में आया आप लोगों को? इसमें फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, बोथ द कॉस्ट आर फिक्स कॉस्ट, सिमिलर टू योर डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, योर होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन दिस केस इट विल बी सेटअप कॉस्ट, राइट? ऑर्डरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट है, राइट? ये सेटअप कॉस्ट जो कहलाता है ना, सेटअप कॉस्ट का मतलब है कि जब आप कोई भी इन्वेंट्री प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, यू नीड टू प्रिपेयर द सेटअप। सेटअप का मतलब ये नहीं हुआ कि मशीन को अरेंज करना ही सेटअप कहलाता है। सेटअप का मतलब ये हुआ कि इफ यू आर गोइंग टू अरेंज सर्टेन अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, यू आर मिक्सिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सेट प्रिपेयरिंग द सेटअप। सेटअप का मतलब ये नहीं हुआ कि लेथ मशीन में टूल को फिट करना, राइट? ऑल द टाइम इट इज नॉट लेथ मशीन, इट मे बी अदर टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो ना, कि सपोज आप एक मिक्स प्रिपेयर करते हो, जैसे मैंने आपको बताया वेल्डिंग इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सो इन केस ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आफ्टर ईच एंड एवरी बैच यू नीड टू प्रिपेयर ए मिक्स, राइट? सो ये सेटअप का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार सेटअप प्रिपेयर कर लिया तो बार बार उसी को रिपीट करते जाएंगे, ऐसा नहीं। एवरीवेयर इट इज नॉट पॉसिबल। इफ इट इज पॉसिबल देन सेटअप कॉस्ट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल, सेटअप कॉस्ट विल बी नेग्लिजिबल। अगर ऐसा हो रहा है कि अगर आपने एक बार सेटअप प्रिपेयर कर लिया और उस सेटअप को आप प्रिजर्व करके रख लेते हैं और बार बार अगर आप उसको यूज करते रहते हैं, देन योर सेटअप कॉस्ट इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल, राइट? ओनली होल्डिंग कॉस्ट विल कम इनटू द पिक्चर। बट इन मेनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, राइट, वी नीड टू प्रिपेयर द सेटअप अगेन एंड अगेन। थोड़े थोड़े सेटअप में, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में आपको सेटअप प्रिपेयर करना होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनकेस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी, इनकेस ऑफ एक्चुअली आई हैव वर्क इन ऑर्डनेंस फैक्ट्री, ऑर्डनेंस फैक्ट्री में हमारे पास सेटअप होते थे। हमारे एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या होता है कि वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द मिक्स, एक मिक्स प्रिपेयर करना होता है आपको, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट मिक्स वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर सपोज 20,000 नंबर ऑफ एक्चुअली गन एम्यूनेशन। तो एक्चुअली क्या हुआ कि आपने 20,000 यूनिट्स के लिए आपने एक मिक्स प्रिपेयर किया, आपने प्रोपेलेंट प्रिपेयर किया है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेटअप कॉस्ट। तो सेटअप का मतलब हर बार आपको ये नहीं समझना है कि आपने मशीन बना लिया और एक बार लेथ मशीन में टूल फीड करके रख दिया तो बार बार सेटअप की रिक्वायरमेंट क्यों होगी। ग्राफ में K माइनस आर ये है, देखो रेट भी ग्राफ में K माइनस आर इज दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज K। चलो आगे चलते हैं। बताता हूं रामानुजन, एक मिनट पहले इसको कंप्लीट करते हैं, राइट? सो वी हैव डेवलप्ड इक्वेशंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन मॉडल। लेट मी सेलेक्ट अ पेन।
ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डेवलप कर लिया, वी डेवलप्ड रिलेशन बिटवीन आई एम एंड क्यू, वी हैव डेवलप्ड रिलेशन बिटवीन आई एम एंड क्यू, सेकेंड वन इज वी हैव डेवलप्ड द रिलेशन बिटवीन टी वन एंड टी टू, थर्ड इक्वेशन इज वी हैव डेवलप्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, राइट, इट इज 2 इंटू आर इंटू सी थ्री डिवाइडेड बाय सी वन, राइट, इंटू प्रोडक्शन फैक्टर, दिस इज के डिवाइडेड बाय के माइनस आर, करेक्ट, दिस इज नोन एज प्रोडक्शन फैक्टर, राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज, प्लीज राइट डाउन, नेक्स्ट वन इज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू, प्लीज कैलकुलेट और डेवलप द इक्वेशन फॉर टोटल कॉस्ट एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. वेरी सिंपल, टोटल कॉस्ट की इक्वेशन आपके पास क्या है, इट इज सी वन इंटू आई एम डिवाइडेड बाय टू इंटू टी, प्लस वी हैव आर बाय क्यू इंटू सी थ्री. ये इक्वेशन देखिए हम लोगों ने डेवलप किया था, और आई एम को भी आपने क्यू के टर्म में रिप्लेस कर दिया था, सो फाइनली वी गॉट दिस इक्वेशन, टी सी इज सी वन इंटू क्यू इंटू के माइनस आर डिवाइडेड बाय 2k प्लस आर बाय क्यू इंटू सी थ्री. ठीक है, अब देखिए जहां कहीं भी q आता है, लेट मी चेंज द कलर, ये देखिए यहां पर q दिख रहा है आपको, और एक q यहां पर दिख रहा होगा, इन दोनों q को आप इस EOQ से रिप्लेस कर दीजिए, सो व्हेन यू रिप्लेस दिस EOQ बाय EOQ, राइट, यू विल गेट ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वेशन एंड होल्डिंग कॉस्ट इक्वेशन एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली सेम, राइट. सो इफ यू डेवलप द फाइनल इक्वेशन फॉर टोटल कॉस्ट, ये वैल्यू पुट अप करके चेक कर लीजिए, राइट, टोटल कॉस्ट विल बी 2 इंटू आर इंटू सी वन इंटू सी थ्री इंटू, राइट, इट इज के माइनस आर डिवाइडेड बाय के. ये देखिए, चेक करके आप देख लीजिएगा बाद में, ठीक है, दिस विल बी द टोटल कॉस्ट इक्वेशन, सो आई कैन राइट टोटल कॉस्ट इक्वेशन इज, इट इज रूट 2 इंटू आर इंटू सी वन इंटू सी थ्री डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन फैक्टर. ये देखो, दिस इज टोटल कॉस्ट, तो ये वाली तो ओल्ड इक्वेशन है ना आपकी, दिस इक्वेशन इज ओल्ड इक्वेशन, राइट, दिस फैक्टर इज इंक्लूडेड ओनली ना, सो दिस इक्वेशन इज ओल्ड इक्वेशन, वी हैव इंक्लूडेड ओनली दिस फैक्टर, दैट इज प्रोडक्शन फैक्टर. तो यहां पर देखिए, इन टोटल कॉस्ट द प्रोडक्शन फैक्टर विल बी डिवाइडेड, इट विल बी इन डिनोमिनेटर, इन केस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वी हैव टू मल्टीप्लाई प्रोडक्शन फैक्टर. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की ओल्ड इक्वेशन याद है और प्रोडक्शन फैक्टर का इक्वेशन याद है, तो आप ये दो इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, वन इज इकोनॉमिक बैच साइज एंड सेकंड वन इज द टोटल कॉस्ट इन केस ऑफ प्रोडक्शन मॉडल. ठीक है, एंड द लास्ट इक्वेशन इज ऑप्टिमल साइकिल टाइम, टी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय आर. ठीक है, जब आप क्यू को ईओक्यू से रिप्लेस कर देंगे, यू विल गेट टी नॉट, दैट इज ऑप्टिमल साइकिल टाइम, राइट, सो यू विल गेट ऑप्टिमल साइकिल टाइम टी नॉट. फाइनल इक्वेशन लेट मी राइट, ये सारे डेवलप करके देख लीजिएगा, दो दो मिनट के इक्वेशन हैं, 2 इंटू सी थ्री डिवाइडेड बाय सी वन इंटू आर, ये डायरेक्टली कॉपी कर लीजिए, के डिवाइडेड बाय के माइनस आर, ये चेक करके देख लीजिएगा आप, राइट, ऑप्टिमल साइकिल टाइम इज दिस, राइट, एंड द लास्ट वन इज एट इकोनॉमिक बैच साइज और लॉट साइज, राइट, होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सेटअप कॉस्ट. होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सेटअप कॉस्ट एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ठीक है, अब देखिए इस मॉडल से रिलेटेड मैंने एक अच्छा क्वेश्चन यहां पर डाला हुआ है, इट इज बिग क्वेश्चन, मींस ऑल द पॉइंट्स विल बी कवर्ड इन दिस क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर इकोनॉमिक बैच साइज.
a company has a demand of 12,000 units per year. A company has a demand of 12,000 units per year for an item, and it can produce 2,000 units per month. It can produce 2,000 such items per month. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? R देख लीजिए, consumption rate is given in the question. R is given in the question. It is 12,000 units. But the unit is, it is per year, units per year. Right? But if you see the production rate, it is 2,000 units per month. Right? It is 2,000 units per month. So if you calculate K in terms of per year, कितना होगा ये? 2,000 into 12. Right? So if you calculate production rate per year, it will be 24,000 units. Correct? So production rate is given. It is 24,000 units. आप देख लीजिए, consumption rate is less. It is only 12,000 units. So production rate K is greater than consumption rate R. Right? So there will be stock built up. There will be stock built up. Right? Now the cost of one setup is given. It is rupees 400. So setup cost means C3 is given in the question. It is rupees 400. Correct? And holding cost is given. Holding cost. Holding cost means it is C1, right? Rupees 1.15 per unit. Per unit. पर मंथ, राइट? अब आप देख लीजिए, दिस वैल्यू इज गिवन पर ईयर. ठीक है, आपने इसमें प्रोडक्शन रेट को भी पर मंथ से पर ईयर में कन्वर्ट कर लिया, बट होल्डिंग कॉस्ट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ पर मंथ. इसको आप पर ईयर में कन्वर्ट कीजिए सबसे पहले, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड. सो इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C1 इन टर्म्स ऑफ पर इन टर्म्स ऑफ पर ईयर, राइट, इट विल बी 0.15 इनटू 12. ये कितना हुआ? इट इज 1.8 रुपीज पर यूनिट पर ईयर. ये देखिए, सबसे पहले पर मंथ को आप पर ईयर में कन्वर्ट कीजिए, सो इट विल बी 1.8 रुपीस पर यूनिट पर ईयर. राइट? नाउ वी हैव यूनिफॉर्म डाटा, वी हैव सी मींस वेरी सिस्टमैटिक डाटा, लाइक एवरीथिंग इज देयर इन पर ईयर बेसिस. नाउ सिंपली इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ऑप्टिमम लॉट साइज, वी हैव टू यूज रेडीमेड इक्वेशन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और ऑप्टिमम लॉट साइज लिखता हूं मैं इसको, ऑप्टिमम लॉट साइज. ठीक है, द इक्वेशन इज 2 इंटू आर इंटू C3 डिवाइडेड बाय C1 इंटू प्रोडक्शन फैक्टर K डिवाइडेड बाय K माइनस R. राइट? ऑप्टिमम लॉट साइज वैल्यूज पुट अप कीजिए. सो 2R इज गिवन इन द क्वेश्चन 12,000 यूनिट्स. ये देखिए, 12,000 यूनिट्स इंटू C3. C3 इज 400 यूनिट, 400 रुपीज डिवाइडेड बाय C1 इज 1.8 रुपीज इंटू K 24,000 डिवाइडेड बाय 24,000 माइनस 12,000. राइट? ऑप्टिमम लॉट साइज कैलकुलेट कर लीजिए, इट विल बी 3,266 यूनिट्स. सो आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज 3,266 यूनिट्स. ऑप्टिमम लॉट साइज. नेक्स्ट वन इज टोटल कॉस्ट पर ईयर. टोटल कॉस्ट पर ईयर, प्लीज कैलकुलेट टोटल कॉस्ट पर ईयर. सो हाउ टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट? वी हैव रेडीमेड इक्वेशन. सो टोटल कॉस्ट पर ईयर इज, राइट, 2 इंटू आर इंटू C3 इंटू C1 इंटू प्रोडक्शन फैक्टर K माइनस R डिवाइडेड बाई K. 1 बाय प्रोडक्शन फैक्टर होता है, है ना? प्रोडक्शन फैक्टर इज K डिवाइडेड बाई K माइनस R. तो यहां पर मल्टीप्लाई किया, मींस इट इज रिवर्स, इनवर्स वैल्यू. ठीक है, एंड यू कैन सी द यूनिट कॉस्ट इज गिवन 4 रुपीज. इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्टली इज टेलिंग कंसीडर द यूनिट कॉस्ट ऑल्सो. इसका मतलब क्या हुआ? इट इज सी इंटू आर, वी हैव टू मल्टीप्लाई सी इंटू आर. अगर ये क्वेश्चन में लिखा हुआ यूनिट कॉस्ट और सिंगल आइटम कॉस्ट इज 4 रुपीज, इट मीन्स इनडायरेक्टली इज टेलिंग यू हैव टू कंसीडर यूनिट कॉस्ट ऑल्सो. सो कंसीडर यूनिट कॉस्ट एंड कैलकुलेट टोटल कॉस्ट. कैलकुलेट टोटल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट इज
ये वैल्यूज पुट अप कीजिए, प्लीज चेक, दिस इज 50,939.4 रुपीस, दिस इज टोटल कॉस्ट. कैलकुलेट टोटल कॉस्ट. ₹400 is ordering cost. Ordering cost. But in this case, it will be setup cost. C की value ₹4 है ना, ये देखिए. C is ₹4. Unit cost is ₹4. Correct. So ₹50,939 is the correct answer. That is the total cost. Right. Now the next parameter is maximum inventory. What is maximum inventory? IM. Okay. Now how to calculate maximum inventory? You know very well. इस triangle के ऊपर आप geometry apply कीजिए. जैसा भी calculate करना हो आपको. So अगर आपको ready-made equation use करना है, we have ready-made equation IM divided by Q is equal to K minus R divided by K. ये देखिए, ये equation हम लोगों ने develop किया था ना, relation between IM and Q. So Q already we have calculated. The value of Q is 3266. ये देखिए. राइट, के की वैल्यू कितनी होती है, ऑलरेडी आप लोगों ने देखा 24,000. ठीक है, के माइनस आर की वैल्यू कितनी होगी, 24,000 माइनस 12,000, इट इज 12,000 ओनली. चेक कीजिए, so please calculate maximum inventory. Maximum inventory IM 1633 units. Right, maximum inventory level is 1633 units. ठीक है, now try manufacturing time and total time. Please calculate manufacturing time and total time. And tell me the correct answer. Please check the figure for this maximum inventory. What is your answer? Maximum inventory is 1633. I think it is correct. Next one is a manufacturing time. Manufacturing time is 0.136 year. Correct. Manufacturing time is 0.136 years. Year. Correct. तो कैसे calculate किया आपने? देखिए, आप लोगों के पास एक ready-made equation हम लोगों ने develop कर लिया है. Right. We have K minus R is equal to IM divided by T1. इसी इक्वेशन से सॉल्व किया है क्या आप लोगों ने, या यू हैव यूज्ड सम अदर इक्वेशन? करेक्ट. क्या बोल रहा है लड़का, EOQ?
यहाँ पर ईओ क्यू क्यों लिखा लिया है, हम क्यू मैक्स भी तो ले सकते हैं। क्यू मैक्स क्या होता है? क्यू मैक्स जैसा तो कोई टर्म नहीं है ना हमारे पास। ये जो क्यू है ना हमारे पास, ये व्हेन यू कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू देन इट विल बिकम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ओनली। ये जहां पे क्यू लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इट इज ईओ क्यू ऑल्सो, ईओ क्यू ओनली मीन्स आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू, ये जहां कहीं भी क्यू है वो सब ईओ क्यू हो जाएंगे। अरे ये समझो हैप्पी, ये जो ग्राफ है ना आपका, ये ग्राफ इस तरह से हम लोगों ने ड्रॉ किया ना, ये देखिए, तो ये वाली जो वैल्यू है यही तो ईओ क्यू आपने कैलकुलेट किया ना, दिस इज ईओ क्यू ओनली। तो जहां कहीं भी क्यू लिखा हुआ है ना, इट विल बिकम ईओ क्यू। हाँ ये भी करेक्ट है, टी वन इज क्यू बाय के, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए ठीक है, तो आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट मैन्युफैक्चरिंग टाइम, आई यूज दिस इक्वेशन के माइनस आर आई एम डिवाइडेड बाय टी वन, इफ यू यूज दिस इक्वेशन यू विल गेट के माइनस आर मीन 24,000 माइनस 12,000, इट विल बिकम 12,000 is equal to IM, it is 1633 divided by T1. T1 is unknown parameter. So please calculate T1, it is 0.136 years. ठीक है? And total time is T. तो T calculate करने के लिए ये equation लगा लीजिए ना, Q divided by T. R की value, you know very well, what is R? Right? R is consumption rate, 12,000 units. So R is 12,000 units. ये देखिए, Q ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया है, व्हाट इज Q? 3266। T कैलकुलेट करना है आपको, दैट इज टोटल टाइम, सो यू विल गेट टोटल टाइम इज 0.272 इयर्स। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोडक्शन मॉडल, दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोडक्शन मॉडल। नाउ द नेक्स्ट मॉडल इज, प्लीज राइट डाउन, नेक्स्ट मॉडल इज डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, बट इट इज प्राइस ब्रेक मॉडल। द मीनिंग ऑफ प्राइस ब्रेक इज, नाउ द मैन्युफैक्चरर इज ऑफरिंग सर्टेन डिस्काउंट व्हेन वी गो फॉर बल्क परचेसिंग, दैट इज द डिटर्मिनिस्टिक मॉडल विथ प्राइस ब्रेक, राइट? दैट इज डिटर्मिनिस्टिक मॉडल विथ प्राइस ब्रेक। एक और क्वेश्चन क्या देवव्रत, एक और क्वेश्चन क्या सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं क्या? अभी मैं टाइप करना पड़ेगा, एक्चुअली बोलूंगा तो टाइम लगेगा। हाँ, क्योंकि जगह पर लॉट साइज ही लेना है, मींस अल्फाज, जहां कहीं भी क्यू है इसका मतलब इट इज इकोनॉमिक लॉट साइज ओनली। अरे पहले भी तो हम लोगों ने यही किया है यार, ठीक है, यस, इट इज बेटर टू कन्वर्ट ऑल यूनिट्स into per year basis, ठीक है? Now let me discuss the next model. थोड़ा सा आगे चलते हैं यार, है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे फिर एंड में क्राइसिस होगी हम लोगों को। Q और IM का डिफरेंस फिर से एक्सप्लेन करेंगे लास्ट में, बताता हूँ केजी, एक बार और बोलूंगा लेकिन लास्ट में बोलेंगे हम लोग 11 बजे के बाद, आफ्टर 11 वी विल डिस्कस, ठीक है? Now the next topic is, it is deterministic model with price break. What is the meaning of price break? The meaning of price break is, right, whenever you go for bulk purchasing, right, बहुत practical case है कि जब आप जैसे pen का packet खरीदने आप जाते हैं तो you will get some discount, but if you go for purchasing single unit of pen, right, the cost will be more. So actually it is known as price break model. हमारे inventory control में इसको price break model कहा जाता है. So in deterministic model, there is a price break model, and the meaning of price break model is, whenever we go for bulk purchasing, whenever the customer go for bulk purchasing, so some discount will be offered by the manufacturer, or some discount will be offered by the actually shopkeeper. That is known as basically price break model. For example, suppose you go to the market to purchase a certain quantity of pen. So aap ek shopkeeper ke paas jaate hain aur aapne kaha ki you required large amount of pen. Usne kaha ki sir, if you purchase up to 10 units, the unit cost will be 5 rupees. But if you purchase the quantity greater than 10 units, right, the quantity greater than 10 units, up to suppose 50 units, the cost will be 4 rupees. And if you go for purchasing order quantity greater than 50 units, if the order quantity Q is greater than 50 units, suppose the unit price is 3.5 rupees. Iska matlab kya hua?
your manufacturer, your actually shopkeeper is going to offer certain amount of discount. When some discount is associated with the unit price, now this unit price is considered as a variable. Right? देखिए अगर आपने price discounts consider किया है, इसका मतलब क्या हुआ? Your unit price is not constant parameter in this case, your unit price is variable parameter. ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों के पास जब भी डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होता है और प्राइस ब्रेक इज गिवन, देन वी हैव टू डिसाइड वेदर यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर और वी हैव टू रिजेक्ट दैट ऑफर. मतलब ये जो आपको ऑफर मिले, इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ऑफर मिला और आपने ह्यूज क्वांटिटी परचेस कर लिया. व्हेन यू परचेस ह्यूज क्वांटिटी, अगेन यू हैव टू होल्ड द इन्वेंट्री इन योर वेयर हाउस. व्हेन यू आर होल्डिंग द इन्वेंट्री, योर होल्डिंग कॉस्ट विल इंक्रीज. बट ऑन द अदर हैंड, इफ परचेस लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, राइट, बेसिकली योर ऑर्डरिंग कॉस्ट विल डिक्रीज. राइट, मतलब आपको सपोज पूरे पूरे साल में आपको सपोज 10,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है और 10,000 यूनिट्स आपने 5,000 के दो बैच बना लिए. 5,000 के आपने कोई भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो नहीं किया और आपने 5,000 के दो बैच बना लिए, क्योंकि 5,000 की क्वांटिटी में आपने नोटिस किया कि आपको अच्छा प्राइस एक्चुअली ऑफर करता है मैन्युफैक्चरर. लेकिन आपने ये ऑब्जर्व किया कि व्हेन यू आर गोइंग टू प्लेस टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड यू आर गोइंग टू परचेस 5,000 यूनिट्स इन 6 मंथ, राइट, यू आर गोइंग टू पे मोर अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ होल्डिंग कॉस्ट. आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो गया. इफ यू सपोज 10,000 यूनिट्स आर रिक्वायर्ड और अगर आपने 1,000 के 10 ऑर्डर प्लेस किए, 10,000 ऑर्डर मींस आफ्टर कंज्यूमिंग 1,000 आइटम्स, अगेन यू आर गोइंग टू रिसीव नेक्स्ट 1,000. After consuming this 1,000 items, again you are going to receive 1,000. In this way, if you are going to place the order and if you calculate the total cost, it may be less as compared with this, as compared with this model, this particular model, because in this model, the huge inventory holding cost will be associated. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस particular case में कि your holding cost will be more, right? But ordering cost will be less. In this case, where the number of orders are more, यहाँ पर देखिए कम inventory आपको hold करना पड़ता है. इसका मतलब क्या हुआ? Holding cost may go down, बट ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्रीज. तो आपको इन दोनों में बैलेंस मेंटेन करना होगा. एंड अल्टीमेटली वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, टोटल कॉस्ट, एंड वी हैव टू टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम टोटल कॉस्ट. राइट, आपको ये देखना होगा कि आपके मैन्युफैक्चरर ने या आपके शॉपकीपर ने जो आपको डिस्काउंट ऑफर किया है, उस पर्टिकुलर डिस्काउंट के ऊपर या उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आपको टोटल कॉस्ट कितनी पे करनी हो रही है, पूरी ईयरली कॉस्ट यू हैव टू कैलकुलेट. And always remember, whenever we deal with the price break model, जब भी आपको price break model से deal करना होता है, so in this case, your unit cost is also variable. जैसे आपने देखा होगा, in previous case, we discussed that there are two types of cost. One is a fixed cost and second one is a variable cost. Right? Fixed cost is what? Unit cost. In previous case, we discussed unit cost is a fixed cost. And in previous case, we discussed, right, your holding cost, your ordering cost is a variable cost. But in this case, right, in case of price break model, all these three cost, unit cost, holding cost, and variable cost, sorry, ordering cost, all these three costs are variable in nature. Ye tino cost variable honge. Isliye jab bhi hum total cost calculate karenge, by default we are going to include the unit cost in the total cost. जब भी आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें तो आप यूनिट कॉस्ट को बाय डिफॉल्ट इंक्लूड करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट. एंड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट वी आर गोइंग टू टेक द डिसीजन. टोटल कॉस्ट के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं. अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले तो मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूं. सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर डिस्कस करूंगा और एट द एंड अगर गेट के एग्जाम में सपोज यू अपीयर फॉर द गेट एग्जाम और ऐसा क्वेश्चन आपके गेट के एग्जाम में आ गया और आप टाइम सेव करना चाहते हो, सपोज देयर इज अ क्राइसिस ऑफ द टाइम, तो मैं एंड में आपको बताऊंगा कि अगर गेट में प्राइस ब्रेक का क्वेश्चन आता है विदाउट इवन टेकिंग द पेन, विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन, यू कैन टेक द करेक्ट आंसर. ठीक है, सिंपल ऑप्शंस देख करके आप आंसर टिक कर सकते हो. लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेंथी प्रोसीजर सिखाना चाहता हूं जो आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस के एग्जाम में आपको हेल्प करेगा. ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रोसीजर समझिए. इस प्रोसीजर को समझाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाला हुआ है एंड दिस इज योर इंजीनियरिंग सर्विसेज कन्वेंशनल प्रॉब्लम. ये देखिए, ठीक है, दिस इज इंजीनियरिंग सर्विसेज कन्वेंशनल प्रॉब्लम ऑफ 20 मार्क्स. यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने क्या लिखा है, पहले हम इसको पढ़ के देखते हैं. फॉर ए प्रोडक्शन सिस्टम एनुअल डिमांड ऑफ द आइटम इज 8,000 यूनिट्स. पूरे साल में आपको आइटम्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, इट शुड बी 8,000 यूनिट्स. एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज रुपीज 1,800 पर ऑर्डर. होल्डिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री इज 10% ऑफ द यूनिट कॉस्ट. ये देखिए यूनिट कॉस्ट इज वेरिएबल. यूनिट कॉस्ट इज वेरिएबल, इसका मतलब क्या हुआ, योर होल्डिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री इज ऑल्सो वेरिएबल बिकॉज होल्डिंग कॉस्ट इज 10% ऑफ द यूनिट कॉस्ट. ये क्वेश्चन में लिखा हुआ आप देख लीजिए. ठीक है, नाउ द आइटम कैन बी परचेस्ड इन द लॉट एज गिवन बिलो, डिटरमाइन द बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी. ये देखिए, ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर ये प्राइस ब्रेक गिवन है.
if your lot size is 1 to 999, the unit price will be 220. Okay. Now, if the order quantity is in between 1000 to 1499, the unit price will be less than means this value. देखे, 20 rupees का price break हो गया, 20 rupees का discount मिला आपको. अब देखिए कि अगर order quantity 1500 से भी ज्यादा है, 1500 to 1999, the unit price will be 190. Right? And if the lot size is greater than 2000, your unit price will be 185 rupees. अब आपको बताना है कि what should be the order quantity, what should be the best order quantity. ये देखिए. अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले तो जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूं, इफ यू अपीयर फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस एग्जाम देन यू हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड प्रोसीजर देन ओनली यू विल गेट द मार्क्स. गेट एग्जाम में या अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप के किसी भी एग्जाम में अपीयर होते हैं तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, जब मैं कंप्लीट करूंगा ऑटोमेटिकली यू विल लर्न व्हाट शुड बी द फाइनल आंसर. तो देखिए जैसे ही आपके पास ऐसा क्वेश्चन अपीयर हुआ तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नोट कीजिए स्टेप वन. प्लीज राइट डाउन स्टेप वन. स्टेप वन इज प्लीज कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. नोट कीजिए स्टेप वन, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम यूनिट कॉस्ट और कॉस्ट प्राइस. ठीक है, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी राइट करस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम यूनिट कॉस्ट और कॉस्ट प्राइस. राइट, सो इफ यू सी इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम यूनिट प्राइस. द मिनिमम यूनिट प्राइस, लेट मी चेंज द स्लाइड. ये देखो व्हाट इज द मिनिमम यूनिट प्राइस, पेन सेलेक्ट करता हूं मैं. ये देखो मिनिमम यूनिट प्राइस इज 185 रुपीज. सबसे पहले इस टेबल में आप मिनिमम यूनिट प्राइस आइडेंटिफाई कर लीजिए और इस यूनिट प्राइस के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. नाउ लेट मी कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेस्ड ऑन द मिनिमम यूनिट प्राइस. सो इफ यू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेस्ड ऑन मिनिमम यूनिट प्राइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, लेट मी कैलकुलेट. इट इज EOQ इज इक्वल टू व्हाट, 2 into R into C3 divided by C1. ये देखिए, R is given in the question 8000 units, C3 is given in the question 1800 rupees, and the holding cost means C1 is given in the question, it is 10% of the unit cost. So let me put up the values. It is 2 into R is 8000, right? C3 is how much? 1800 divided by what is C1? C1 ki value 10% of unit cost. 10% ka matlab it 0.1 into 185. ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन दिस केस, द वैल्यू ऑफ ईओक्यू इज 1247.7. चेक करके देखिए यूनिट्स पर ऑर्डर. राइट, इसका मतलब क्या हुआ, आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला कहता है कि योर ऑर्डर क्वांटिटी शुड बी 1247 यूनिट्स. बट आप मुझे बताइए कि कैन यू ऑर्डर दिस 1247 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 185 रुपीस. आंसर इज नो, बिकॉज दिस प्राइस यूनिट प्राइस ऑफ 185 रुपीस इज वैलिड व्हेन द ऑर्डर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 2000 यूनिट्स. बताइए मुझे आप, आपने सबसे पहले क्या किया, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम यूनिट कॉस्ट. व्हाट इज द मिनिमम यूनिट कॉस्ट, 185 रुपीस. ये देखो, तो इस 185 रुपीस के करस्पॉन्डिंग आप ईओक्यू कैलकुलेट करके देखिए, एंड वी गॉट ईओक्यू इज 1247 यूनिट्स. नाउ सिंस द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज लेस देन द लॉट साइज, बेसिकली दिस प्राइस ब्रेक क्वांटिटी, राइट, देखिए 185 का जो प्राइस है वो कब वैलिड होगा, 2000 और ग्रेटर देन 2000. सो द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी शुड बी 2000, देन ओनली दिस बेसिकली यू विल गेट द यूनिट प्राइस ऑफ 185. Since your economic formula says that the order quantity should be 1247, इसका मतलब क्या हुआ? This economic order quantity formula will be not feasible. It is non-feasible value. ये feasible ही नहीं है ना? ये feasible ही नहीं होगा, क्योंकि economic order quantity अगर आपने 1247 units order किया, if you are going to place order for 1247 units, right, you are not going to get the price of 185, right? This price of 185 will be applicable only if the order quantity is 2000 or greater than 2000. Okay, now we have decided that this
order quantity is not feasible. It is not feasible because this unit price will not be applicable for this order quantity. आपका manufacturer बोलता है कि sir 1247 में मैं 185 rupees charge करूंगा ही नहीं आपसे. It will be 200 rupees. Right? अब देखिए what is second step? Second step is calculate economic order quantity based on next minimum value. What is step two? Step two is what? Calculate economic order quantity. Calculate EOQ based on next minimum or second minimum. ये देखिए. Calculate economic order quantity based on next minimum. Now what is next minimum? 190 rupees. Calculate करते जाइए आप मेरे साथ calculate करते जाइए. ठीक है. So calculate economic order quantity based on next minimum. And the next minimum is 190 rupees. ठीक है. So again apply this formula. EOQ is root 2 into R into C3 divided by C1. ये देखिए numerator value will not change, same as previous case. Only denominator value will change. It will be 0.1 into 190. It will be 0.1 into 190. So if you calculate economic order quantity for this particular case, the value is 1231 units. चेक करके बताइए मुझे कितना आ रहा है EOQ. 1231 आ रहा है सेकेंड मिनिमम में. करेक्ट. ठीक है. फॉर सेकेंड मिनिमम इट इज 1231. अब आप मुझे बताइए कैन यू प्लेस द ऑर्डर फॉर क्वांटिटी 1231. आंसर इज नो. बिकॉज राइट योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला सेज दैट योर ऑर्डर क्वांटिटी शुड बी 1231. बट The unit price of 190 is applicable only when the order quantity is greater than 1500 up to 1999. And if the order quantity is 1231, right, you will not get this price of 190 rupees. Iska matlab kya hua? This order quantity is also infeasible or non-feasible. Ye bhi feasible nahi hai. Ab aap kya karoge? What is third step? Now calculate economic order quantity for next minimum. Next minimum. Calculate economic order quantity for next minimum unit price. Check कीजिए. Calculate economic order quantity for next minimum. Yes, absolutely correct. So calculate economic order quantity for next minimum. ये देखो. Next minimum is 200 rupees. So let me calculate economic order quantity at 200. It will be 2. R is same as previous 8000. Right? C3 is 1800. Divided by C1. C1 is 0.1 into 200. So when you solve this, you will get economic order quantities 1200 units. Ye dekhiye, 1200 units. Iska matlab kya hua? It is feasible. Now it is feasible. Right? Because 200 unit price is applicable when the order quantity is in between 1000 to 1499. Ye feasible quantity ho gayi na? Ab dekhiye, ab kya hua? Ki If you are going to calculate the total cost, अब क्या हुआ? देखिए, इसके above तो आपको जाना नहीं है, इसके above जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही feasible हो गया ना, यहाँ पर ही feasible मिल गया आपको, तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है? You have to calculate the total cost at this economic order quantity. We have to calculate total cost at economic order quantity. We have to calculate total cost at minimum order quantity of 1500. We are going to get this unit price. तो आप 1500 पे आप total cost calculate करके check कर लीजिए. Total cost we have to calculate. At the order quantity of 1500, जो भी price break quantity है, आप उसपे total cost calculate करके देख लीजिए. So firstly we have to calculate total cost at economic order quantity. Secondly we have to calculate total cost at this particular quantity. And third it is 2000 units. ये देखो. ठीक है? तो तीन points के ऊपर एक point number होगा economic order point number one होगा economic order quantity, दूसरा होगा total cost at 1500 और तीसरा होगा total cost at 2000 rupees. तीनों के ऊपर आप सबसे पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके देख लीजिए. नाउ लेट मी कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एट दीज थ्री पॉइंट्स. इससे क्या रिजल्ट मिलता है ये देखिए आपको समझ में आ जाएगा. देखिए नाउ इफ यू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू, राइट, द टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू वी हैव दिस फॉर्मूला. इट इज 2 इंटू आर इंटू सी 3 इंटू सी 1. दिस इज योर होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस इन्वेंट्री कॉस्ट इज वॉट आर इंटू सी. ठीक है. सो व्हाट इज टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू बताइए कितना है. टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू प्लीज ट्राई दिस थिंग. टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू ये देखिए द टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू इज
16,24,000, चेक कीजिए, ठीक है, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट ईओ क्यू, हाँ 1200 इज अ फिजिबल क्वांटिटी, 1200 इज अ फिजिबल क्वांटिटी। अब इसके बाद जैसे फिजिबल क्वांटिटी आपको पता चल गई, अब ब्लाइंडली आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करना है, नाउ वी हैव टू चेक द टोटल कॉस्ट, इफ द टोटल कॉस्ट इज जस्टिफाइड देन ओनली वी हैव टू फाइनली टेक द डिसीजन। नाउ प्लीज कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एट ईओ क्यू, राइट, इट इज 16,24,000, ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। अब देखो इसके बाद टोटल कॉस्ट हम मिनिमम क्वांटिटीज पे कैलकुलेट कर लेंगे, ये देखो इस टेबल को देखते हैं, ये देखिए इसके बाद व्हाट इज द यूनिट प्राइस, लेसर यूनिट यूनिट प्राइस 190 रुपीज, अभी तो आपने 200 रुपए में कैलकुलेट कर लिया, 200 रुपए में टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 16 लाख रुपए, 16,24,000। अब 200 से कम यूनिट प्राइस पे हम अगर चेक करें, इफ यू वांट टू चेक द टोटल कॉस्ट एट द यूनिट प्राइस लेस देन 200 रुपीज, तो देखिए मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी 1500 यूनिट्स व्हेन द यूनिट प्राइस इज 190, तो आप 1500 के ऊपर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके देख लीजिए, and then if you want to take the advantage of this one, this price 185 rupees, to minimum order quantity kitna rakhenge aap, 2000 rakhenge, minimum order quantity pe operate kariye aap log, theek hai, ab dekhiye if you calculate the total cost, if you calculate total cost at 1500 units, right, ab dekhiye since 1500 units is not economic order quantity, to jab bhi aap non economic order quantity pe total cost calculate karenge, then the formula will be like your old formula, q by t, Q by 2 into C1 plus R by Q into C3 plus C into U, C into R. Right? Because 1500 units is not economic order quantity. So, agar aap non-economic order quantity, non-EOQ pe deal karenge, then you have to calculate the total cost by using this conventional formula. It is not economic order quantity formula. Right? So, ye dekhiye, in this case, since the order quantity, the value of Q will be 1500. Ye dekhiye, Q is 1500 divided by 2. What is C1? In this case, C1 is 10% of 190. Ye dekho, 190 is the unit price. 10% of 190. It will be 0.1 into 190. Plus, right? What is annual requirement? 8,000 units. So R is 8,000 units. What is Q? Q is 1,800 units. Sorry, 1,500 units. Sorry, 1,500. It is 1,500 units. इंटू सी थ्री, सी थ्री की वैल्यू चेक कर लीजिए कितनी है, सी थ्री 1800 रुपीज प्लस सी इंटू आर, सी इज यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस इज 190 रुपीज एंड द एनुअल रिक्वायरमेंट इज 8000 रुपीज, तो एनुअल कॉस्ट आपकी कितनी हो रही है वो पता चल रहा है आपको, राइट, एनुअल कॉस्ट कितनी हो रही है ये आपको पता चल रहा है ना, सो व्हाट इज टोटल एनुअल कॉस्ट, यू विल गेट टोटल एनुअल कॉस्ट इन दिस केस इज 15,43,850 रुपीज, ये देखो कम आ गई ना कॉस्ट, प्रीवियस केस में कॉस्ट कितनी आ रही थी 16,24,000, इसका मतलब क्या हुआ, द ऑर्डर क्वांटिटी विल नॉट बी 1200, ये तो तय हो गया। अब टोटल कॉस्ट आपने 1500 के ऊपर कैलकुलेट किया, इट इज लेसर, अब आपको क्या लगा कि यार टोटल कॉस्ट अगर हम 2000 के ऊपर कैलकुलेट करें ये तो और भी कम हो सकती है ना, लेट मी चेक, सो इफ यू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट 2000 यूनिट्स, चेक करके देखिए, इफ यू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट 2000 यूनिट्स, राइट, आई गॉट दिस 2000 यूनिट्स, सो इट विल बी Q divided by 2 into C1 plus R by Q into C3 plus R into C. ठीक है, so Q by 2 into C1 plus R by Q into C3 plus R into C. यहां पर values put up कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि when order quantity is exactly 2000, the total cost is 15,05,700 रुपीस, और भी कम हो गई, आप देख लीजिए, समझ में आया आपको। अब देखिए लेट मी कंक्लूड, राइट, सो व्हेन द क्वांटिटी इज एट ईओक्यू, व्हेन द ऑर्डर क्वांटिटी इज एक्जेक्टली एट ईओक्यू, व्हेन ऑर्डर क्वांटिटी एट ईओक्यू, राइट, वी गॉट टोटल कॉस्ट इज 16,24,000, or I can write it is 16.24 lakh, right, means the total order quantity at 1500 units, what is the total cost, the total cost is 15.43 lakhs, right,
and if your order quantity is exactly 2000 units, what is your total cost? Total cost is 15.05 lakh. ये देखो आंसर मिल गया ना आपको. इसका मतलब क्या हुआ? The order quantity should be 2000 units. The order quantity should be 2000 units. अब देखिए इसको ग्राफ में अगर मैं बताना चाहूँ ना, तो ग्राफ आपको बहुत सारे बुक्स में रेडीमेड फॉर्म में मिलेगा. देखिए ग्राफ बताता हूं मैं आपको. ये देखिए. Now, if you see economic order quantity graph, this is your economic order quantity graph. This is total cost curve, and this one is your economic order quantity. And what is the value of EOQ in this case? The value of EOQ in this case is 1200 units. ये देखो. And what is total cost corresponding to economic order quantity? ये देखिए. It is 16.24 lakhs. ये अल्फाज वीडियो क्यों ऑफ ऑन कर दिया आप लोगों ने? ठीक है. अब देखिए, नाउ इफ यू इंक्रीज द ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन 1200, नेक्स्ट ऑर्डर क्वांटिटी अगर आपने 1500 पे चेक किया है, इसका मतलब क्या हुआ? ये देखिए, अगर मैं 1500 यहां पर लोकेट कर लूं, दिस वैल्यू इज 1500 यूनिट्स, एंड व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एट 1500 यूनिट्स? इट इज स्लाइटली लेस देन दिस वैल्यू. ये देखो, दिस इज 15.43 लैक्स. इसका मतलब क्या हुआ? एट 1500 यूनिट्स देयर इज अ प्राइस ब्रेक, देयर इज अ प्राइस ब्रेक, टोटल कॉस्ट विल डिक्रीज लाइक दिस. और इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से चल रहा होगा. ये देखिए, एट द रेट ऑफ 190 पर यूनिट. ये देखिए, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ग्राफ है, और इस पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे द टोटल कॉस्ट इज कमिंग आउट 15.43 लैख. राइट. Now, if you see the economic order quantity at 190 rupees, what is the value of economic order quantity at means 190 rupees? At 190 rupees, the economic order quantity is 12. ये देखिए, ये यहाँ पर कहीं पर economic order quantity होगा. This economic order quantity is what? It is 1231.17. And इसके corresponding जो आप cost देखेंगे ना, ये देखिए, ये cost ना यहाँ पर minimum होगी actually. ये cost थोड़ी ज़्यादा होगी यहाँ से. एक बार इस graph को हटा देता हूँ और फ्रेश ग्राफ ड्रॉ करता हूं. ये देखिए, अगर आप यहां पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखेंगे ना, ये है 1231, एंड इफ यू प्लॉट द ग्राफ, दिस विल बी मिनिमम वैल्यू एंड देन इट विल इंक्रीज. सो इसका मतलब क्या हुआ? एट 1231.17 रुपीस दिस कॉस्ट इज गोइंग टू बी मिनिमम. ये देखो, और यहां पर अगर आप देखेंगे, दिस कॉस्ट इज स्लाइटली ग्रेटर. ये वाली जो कॉस्ट है वो यहाँ पर आएगी. एक बार ग्राफ हटा करके फिर ड्रॉ करता हूँ. ये देखो, दिस इज योर ओल्ड ग्राफ, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ग्राफ. सो दिस क्वांटिटी इज, दिस वैल्यू इज हाउ मच? 1200 यूनिट्स. इस ग्राफ को ठीक से समझिएगा आप लोग, ठीक है. नाउ सेकंड ग्राफ इज लाइक दिस, राइट. थर्ड ग्राफ इज लाइक दिस. ऐसे ग्राफ होंगे ना. तो ये देखिए, दिस इज 1200 यूनिट्स, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज 1200 यूनिट्स, एंड द यूनिट प्राइस इज हाउ मच? 200 रुपीज यूनिट प्राइस, ठीक है. नाउ सेकंड ग्राफ इज फॉर द यूनिट प्राइस ऑफ 190 रुपीज, ठीक है. और ये देखिए, यहां पर एक प्राइस ब्रेक हुआ है हमारा. ये प्राइस ब्रेक हुआ, ये ग्राफ ऐसा चल रहा होगा, ये प्राइस ब्रेक हुआ, ठीक है. एंड इट विल फॉलो दिस ग्राफ. इसका मतलब क्या हुआ? ये यार थोड़ा सा यहां पर मान लेते हैं, ठीक है. सपोज दिस इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर सेकेंड ग्राफ, एंड दिस वैल्यू इज 1231, right? But this 1231 cannot be basically cannot be ordered, because if 1231 units is ordered, basically you will not get the price of 190 rupees. ठीक है, इसलिए आपने इसको reject कर दिया. You have not selected this quantity. अब देखिए, आपने order quantity थोड़ी और बढ़ाया, right? This order quantity is how much? 1500 units. ये देखिए, this value is 1500 units. अब आपने order quantity को बढ़ा करके कितना कर दिया? 2000 units. ये देखो, this will be the graph. This is 2000 units, right? And for this 2000 units, the total cost is going to be minimum, and the total cost is 15.05. So your answer is, you have to accept the price break, you have to accept the price discount, and you have to order the minimum quantity. ये देखिए, जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आप देखते हैं, तो इस क्वेश्चन के आंसर सभी में सेम मिलेंगे आपको. द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, यू हैव टू सेलेक्ट द मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम प्राइस,
एंड यू हैव टू टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू दिस. ये देखिए जहां पर भी आपको मिनिमम प्राइस मिलती है इसके करस्पॉन्डिंग वॉट एवर द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इज देयर दैट विल बी योर ऑर्डर क्वांटिटी 2000 राइट दैट विल बी द ऑर्डर क्वांटिटी. मतलब इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि व्हाट इज द मिनिमम यूनिट प्राइस, दिस इज 185 और इस मिनिमम यूनिट प्राइस के करस्पॉन्डिंग जो भी ऑर्डर क्वांटिटी अवेलेबल है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी दैट विल बी योर ऑर्डर क्वांटिटी. व्हाई दिस विल बी ऑर्डर क्वांटिटी, व्हाई इट इज नॉट ग्रेटर देन 2000, बिकॉज इफ योर ऑर्डर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 2000 ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से फॉलो हो रहा है. आपने ये वाला पॉइंट तो मिस कर दिया ना, दैट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पॉइंट वी हैव मिस्ड, बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग टू 185 रुपीज राइट इट कम्स आउट टू बी 1247 राइट एंड दैट इज नॉट फिजिबल. आपने इसको मिस कर दिया. आपने कौन सा ऑर्डर प्लेस किया, आपने 2000 ऑर्डर प्लेस किया राइट. इस 2000 के करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं दिस विल बी द कॉस्ट. इफ यू आर एबल टू प्लेस द ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी योर टोटल कॉस्ट इज डेफिनेटली लेस राइट, बट यू हैव मिस्ड दिस पॉइंट बिकॉज एट दिस पॉइंट दिस प्राइस विल नॉट बी एप्लीकेबल. तो आपने कौन सा पॉइंट सेलेक्ट किया, आपने वो पॉइंट सेलेक्ट किया जहां पर आपको दिस पॉइंट 185 रुपीज इज एप्लीकेबल. अब देखिए अगर आपने 2000 से एक यूनिट भी बढ़ाया, सपोज आपने 2001 ऑर्डर क्वांटिटी सेलेक्ट किया, सो 2001 के ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर अगर आप कॉस्ट देखेंगे ना, दिस विल बी द कॉस्ट करस्पॉन्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ 2001. ये देखिए इट इज ग्रेटर एट द कॉस्ट एट दिस पॉइंट, द कॉस्ट एट दिस पॉइंट देखिए दिस इज द टोटल कॉस्ट. इसका मतलब क्या हुआ, योर ऑर्डर क्वांटिटी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2000. If your order quantity is greater than 2000, your total cost is high. ये देखो, ये total cost increase हो रही है ना? ये देखो, एक बराबर ग्राफ बनाता हूँ मैं. थोड़ा समझना पड़ेगा यार आप लोगों को. बहुत सारे लोग खसक जाते हैं यहाँ से. जैसे जैसे ही कुछ मुश्किल टॉपिक आया तो बहुत सारे लोग खसकते हुए दिखते हैं यहाँ से, खिसक जाते हैं कि सब मुश्किल टॉपिक है, हम कहाँ समझ पाएंगे. ये देखिए 1247. थोड़ा दिमाग में जोर आपको देना पड़ेगा यार. अब आपने क्या किया, यू हैव मिस्ड दिस पॉइंट. व्हाई यू हैव मिस्ड दिस पॉइंट, बिकॉज द प्राइस ऑफ 185 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ 1247. आपने देखा कि कितने एक प्राइस पे अवेलेबल है टोटल कॉस्ट जहां पर मिनिमम है 2000 के ऊपर. ये देखिए 2000 आपने सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, आपने ये वाला ऑर्डर प्लेस कर दिया. एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर 2000 से ज्यादा अगर हम ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस करेंगे तो क्या होगा. अगर ऑर्डर क्वांटिटी 2000 से ज्यादा होगी इसका मतलब है आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज होने वाली है. और किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर अगर टोटल ऑर्डर क्वांटिटी हम 2000 से कम रखेंगे तो क्या होगा. ये देखो इस ग्राफ से क्लियर होगा ना कि अगर आपने ऑर्डर क्वांटिटी 2000 से कम रखा तो आपका टोटल कॉस्ट डिक्रीज होगी. बट इफ योर ऑर्डर क्वांटिटी इज लेस देन 2000 यू विल नॉट गेट दिस प्राइस राइट, यू विल गेट हायर प्राइस 190 रुपीज. इफ यू आर गेटिंग हायर प्राइस देन योर टोटल कॉस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज. इसके ऊपर वाले ग्राफ में शिफ्ट हो जाएंगे आप, इस वाले ग्राफ में शिफ्ट हो जाओगे आप. और ऊपर वाले ग्राफ में शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ, आपका टोटल कॉस्ट ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है ना. किसी भी पॉइंट के ऊपर आप चेक कर लो, इस ऊपर वाले ग्राफ के ऊपर, मतलब आपने जैसे ही इसको 2000 से कम किया, आपने 1999 किया, इसका मतलब क्या हुआ, आपने इस ग्राफ को छोड़ करके आपने ऊपर वाले ग्राफ में स्विच कर लिया. जैसे आपने ऊपर वाले ग्राफ में स्विच किया तो आप यहां पर देखेंगे द टोटल कॉस्ट एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस पॉइंट दीस पॉइंट्स. इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपका आंसर होगा टोटल कॉस्ट एट 1000. चेक करके देख लो आप, ज्यादा मिलेगी आपको. अरे यार ये देखिए ना, यहीं पर बता देता हूं मैं आपको. आप देखिए कि आपका जो ग्राफ है ना, अगर आपने यूनिट प्राइस बढ़ाया तो आपका ग्राफ इस तरह से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा. चेक करके देख लीजिए आप. इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द यूनिट कॉस्ट देन योर ग्राफ इज गोइंग टू शिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस. सो डेफिनेटली इफ यू चेक एट दिस ऑर्डर क्वांटिटी, आप तो सबसे पहले मिनिमम ऑर्डर मिनिमम यूनिट प्राइस पे चेक करोगे तो आपकी जो कंडीशन है वो यहीं पर सेटिस्फाई हो गई, तो आप उससे कम क्यों जाएंगे. पहली बात तो ये है. लेकिन अगर आपको मन होता है कि सर हम तो जाके रहेंगे, तो अगर आप जाते हो तो इसका मतलब यू आर गोइंग टू शिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन. इफ यू आर गोइंग टू शिफ्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन योर टोटल कॉस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज राइट. आपको नीचे की तरफ ग्राफ शिफ्ट कराना होगा और नीचे का ग्राफ आपको इस 2000 यूनिट पे ही मिल रहा है. देखिए इट मींस द ऑर्डर क्वांटिटी शुड बी एग्जैक्टली 2000 यूनिट्स. ये क्वेश्चन होता है एक्चुअली यहां पर. अब देखो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे और सभी का आंसर यही है जो मैंने आपको बताया. एक क्वेश्चन मैंने और भी डाला हुआ है यहाँ पर कि एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द आइटम इज 2400 यूनिट्स, ईच आइटम कॉस्ट इज रुपीज 6. पलाश आपका ये बंद करिए ग्राफ ये वीडियो. सो ईच आइटम कॉस्ट इज 6 रुपीज. ठीक है, मैन्युफैक्चरर ऑफर्स द डिस्काउंट ऑफ 5% इफ 500 और मोर क्वांटिटी इज परचेस्ड. द ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 32 रुपीज. ठीक है, तो आप देख लीजिए कि जो आपका ऑर्डर क्वांटिटी होगा ना वो एक्जैक्टली प्राइस ब्रेक के ऊपर होगा. 500 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.
राइट right? और अगर आपको एग्जैक्टली सॉल्व करना है तो मतलब आपको 185 रुपीस में, क्या बोल रहे हो अल्फाज आप, मिनिमम 200 यूनिट्स ऑर्डर करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपको 185 रुपीस ऑर्डर का प्राइस लेना है, इफ यू वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ 185 रुपीस यूनिट प्राइस, देन मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी शुड बी 2000। पलाश आपका वीडियो ऑन ऑफ कीजिए। आप लोगों क्या पूछ रहे हैं? हाँ यस, अभी आपने कहा कि इवन व्हाट इफ इवन आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ प्राइस द कॉस्ट इज मोर देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या हुआ? मैं समझा नहीं। ट्रिक यही है इस क्वेश्चन का, ट्रिक ये है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं तो मिनिमम कॉस्ट के ऊपर जो भी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है वो आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा। मिनिमम कॉस्ट के ऊपर जो भी ऑर्डर क्वांटिटी अवेलेबल है दैट विल बी द ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम कॉस्ट एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट मिनिमम कॉस्ट व्हाट इज द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, दैट विल बी योर ऑर्डर क्वांटिटी, फाइनल आंसर। हाँ, मिनिमम कॉस्ट के करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सर मींस हमें ज्यादा क्वांटिटी से पर क्वांटिटी ऑर्डर प्राइस कम लानी है फॉर लेस ऑर्डर कॉस्ट। पता नहीं सोपन क्या लिख रहा है यार, क्या लिख रहा है यार। जब यूक्यू 1200 पे था तो 2000 क्यों सेलेक्ट किया यार? आपने 1200 पर, आपने तो 1200 पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब इसका यह मतलब नहीं कि 1200 विल बी योर एक्चुअली ऑर्डर क्वांटिटी। 1200 पर उस पर्टिकुलर यूनिट प्राइस के लिए, 1200 पर यूनिट प्राइस कितनी थी? 1200 पे यूनिट प्राइस आपकी 200 रुपए थी। तो 200 रुपए के अगर यूनिट प्राइस पे आप देखेंगे तो टोटल कॉस्ट 1200 यूनिट पे मिनिमम होगी, लेकिन ये एब्सोल्यूट टोटल कॉस्ट मिनिमम यहां पर नहीं होगी। आपको दूसरे नीचे वाले जो प्राइस है 200 रुपए से कम, 190 और 185, इन पर भी टोटल कॉस्ट, मिनिमम टोटल कॉस्ट चेक करना होगा, राइट? इससे तो आपको ये पता चला कि आपको इससे कम ऑर्डर क्वांटिटी नहीं प्लेस करना है, ठीक है ना? आपने जब ईओक्यू कैलकुलेट कर लिया तो इससे पता चल गया आपको कि वी हैव मींस वी शुड नॉट गो बियॉन्ड दिस, बिलो दिस, दैट इज द मीनिंग ऑफ कैलकुलेटिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। स्लो तो चला यार, इससे क्या स्लो चलूंगा मैं, आपको बताइए। हाँ, कल कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको एक लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ाऊंगा, वो है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। वो छोटा टॉपिक है प्रोबेबिलिस्टिक, एंड आई विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। हाँ, मिनिमम नहीं, 1200 का कोई मतलब नहीं है यहां पर। यू हैव टू प्लेस 2000 यूनिट्स। 1200 से मतलब नहीं है, आपको टोटल कॉस्ट से चेक करना होगा। आप Now we have to check the total cost. इस वीक में ऑफ नहीं, ऑफ नहीं है। लीस्ट स्क्वायर मेथड इज अ मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, अभी पढ़ाया नहीं है मैंने आपको। हाँ, नाउ यू कैन गो। सैटरडे आपका लेक्चर नहीं है, सैटरडे एंड संडे माय क्लास विल नॉट बी देयर, ठीक है? चलिए कल मिलते हैं फिर, है ना? के माइनस आर ड्रॉ कैसे करेंगे? अरे के माइनस आर का मतलब है स्टॉक बिल्ट अप रेट, स्टॉक बिल्ट अप रेट। आपने प्रोड्यूस ज्यादा किया है, कंज्यूम कम हो रहा है, तो जो बैलेंस है ना पर डे बेसिस पे, जो बैलेंस एक्यूमुलेट हो रहा है वो के माइनस आर कहलाता है, ठीक है? और जो क्यू वाला कर्व है उसके नीचे वाली जो लाइन होगी दैट विल बी के माइनस आर। क्यू का मतलब है टोटल, जैसे ये देखिए आपने डिसाइड कर लिया कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम कहां पर होगी। ये देखो ये ग्राफ है,
ये क्यू है, राइट, दिस इज क्यू, राइट। ये देखो, आपने ये डिसाइड कर लिया कि वेन एवर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ए सेटअप, आपका जो क्वांटिटी होगा वो क्यू होगा, राइट। वेन एवर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ए सेटअप, योर क्वांटिटी विल बी क्यू, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने क्यू क्वांटिटी बनाने के लिए काम चालू कर दिया, नाउ योर प्रोडक्शन हैज बीन स्टार्टेड टू प्रिपेयर द क्यू क्वांटिटी ऑफ द आइटम्स। अब क्या हुआ, जैसे आपने प्रिपेयर करना चालू किया, एट द सेम टाइम कंजम्पशन विल टेक प्लेस, तो कंज्यूम भी होना चालू हो जाता है साइमल्टेनियसली। सो व्हेन द कंजम्पशन टेक्स प्लेस अलोंग द प्रोडक्शन, राइट, तो दोनों में क्योंकि डिफरेंस है, प्रोडक्शन रेट ज्यादा है, कंजम्पशन रेट कम है, तो आपका स्टॉक बिल्टअप होना चालू हो जाता है। ये देखिए, दिस इज नोन एज स्टॉक बिल्टअप रेट, इसको आप के माइनस आर से रिप्रेजेंट करते हैं, के माइनस आर, राइट। अब जब के माइनस आर से स्टॉक बिल्टअप होना चालू हो गया, तो अब अगर आपने ये स्टॉक अगर आपने कंज्यूम नहीं किया होता, तो आपकी इन्वेंट्री मैक्सिमम कहां तक पहुंचती, क्यू तक पहुंच जाती, लेकिन क्योंकि आपने साथ में कंज्यूम भी किया है ना, द इन्वेंट्री इज ऑल्सो कंज्यूम्ड, तो आपकी मैक्सिमम इन्वेंट्री कहां पर पहुंचेगी, आई एम के बराबर होगी, दैट विल बी द मैक्सिमम इन्वेंट्री, दैट विल बी योर मैक्सिमम इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री इज एनीथिंग विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ मैन्युफैक्चरिंग इज बेसिकली इन्वेंट्री, टू डील विद द मैन्युफैक्चरिंग। नाउ एनीथिंग विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ मैन्युफैक्चरिंग इज नोन एज इन्वेंट्री। मेनी इन्वेंट्री इन द बेसिकली वेयर हाउस और इन द शॉप फ्लोर मे बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल इज देयर, सेमी फिनिश इन्वेंट्री इज देयर, तो ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। But indirectly, so many inventories also involved in the manufacturing. Like you are using the tool, आपने tool use किया. You are using the suppose coolant आपने use किया. That is also inventory, indirectly involved. So anything which is directly or indirectly involved in the production activity is considered as an inventory, right? So there may be direct inventory. There are direct inventory means the inventory which is going to be the part of final product. That is direct inventory. The inventory which is not going to be the part of final product is indirect inventory. So anything which is directly or indirectly related with the production activity is known as inventory. समझ में आया आपको? Total time का मतलब क्या हुआ? ये देखिए, time period T1 है ना? यहाँ पर आपने production और consumption दोनों किया है, और time period T2 में आपने सिर्फ consumption किया है, आपने production नहीं किया। तो इस T1 और T2 को अगर आप मिला लें, ये कहलाता है total time, राइट, जिसको आप साइकिल टाइम बोलते हैं, है ना। ये देखो, मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये देखिए, ये ऐसा ग्राफ है ना आपके पास, सो दिस टाइम इज टी वन, दिस टाइम इज टी टू, एंड दिस टाइम इज टोटल टाइम टी, ये देखो, ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं, कल बात करते हैं।